हैं, जैसे कि इनमें बहुत सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, बहुत बड़े स्तर पर इन नदियों से सैंड माइनिंग हो रही है, और साथ ही साथ इसमें जो बढ़ते शहरीकरण और जो टूरिज्म बढ़ रहा है उसके कारण जो पूरा सॉलिड वेस्ट है इन नदियों में फेंका जा रहा है, और जो निचले क्षेत्र है जहाँ पर हमारे इंडस्ट्रियल बेल्ट है वहाँ से जो भी जो अनट्रीटेड जो केमिकल वाटर है, जो पानी है, उससे इन नदियों पर छोड़ा जा रहा है, तो जिससे इन नदियों की आज के दिन जो हालत है वो काफ़ी खराब हो रही है। अभी हिमदरा समूह ने हिमाचल की नदियों पर एक रिपोर्ट निकाली थी जिसका नाम था डस्टेड, ड्राइड एंड डस्टेड, और इसमें यह पाया था कि हिमाचल की जो पांच नदियां हैं, जो मुख्य पांच नदियां हैं, यमुना, सतलज, रावी, चेनाब और ब्यास, इसमें से जो चार नदियां हैं केवल ब्यास को छोड़कर वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ चुकी हैं। और अगर हम पूरे हिमालय क्षेत्र की बात करें तो एक जो एक अध्ययन किया है गरम्बाइन एन पंडित ने, तो उन्होंने पाया कि ये जो पूरे हिमालय क्षेत्र में है आज के दिन जो सबसे ज्यादा डैम डेंसिटी है वो पूरे विश्व में हिमालय क्षेत्र में ही होने वाली है। और ये जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का जो एक जो इन नदियों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अगर हम देखें तो जो हिमालय की जो नदियां जो निकल रही हैं, जो नीचे समतल क्षेत्र है वहां पर इन नदियों पर बड़े बड़े डैम बना दिए गए हैं, और जहां पर स्लोप है, जहां पर ग्रेडियंट उपलब्ध है, वहां पर ये रन ऑफ द रिवर टेक्नोलॉजी के नाम पर जो नदी का जो भाव है उसको बदल कर ये उनको पूरे कंक्रीट के टनलों पे डाल रहे हैं, जिसके कारण आज के दिन जो कई नदियां ऐसी हैं कि जो अपने रिवर बेड में ना बहते हुए ये कंक्रीट के टनल में बह रही है। अगर हम उदाहरण के तौर पर लें तो जो सतलज नदी है आज के, अगर उसके ऊपर जितने भी जो हाइड्रो प्रोजेक्ट प्रपोज हैं वो सारे बन जाते हैं, तो उसमें क्या होगा कि ये जो 92% जो नदी है वो खत्म हो जाएगी। तो आज के दिन ये एक बहुत बड़ा खतरा आज के दिन जो ये एक हिमालय की नदियों के लिए है। अगर हम देखें तो ये जो जितने भी, अगर हिमाचल के संदर्भ में भी देखें, ये जितनी जो डैम प्रोजेक्ट बने हैं इसके खिलाफ तो लोगों ने आवाजें उठाई हैं, क्योंकि इन डैम प्रोजेक्ट से केवल जो नदी को ही खतरा नहीं होता, उसके साथ ही साथ वहां का जो पूरा भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें लैंडस्लाइड्स आती हैं, जो लोगों के घर हैं उसमें दरारें आती हैं, जो उसकी उस क्षेत्र की जो पूरी एक हाइड्रोलॉजिकल रिजीम होती है, वो जो जो ब्लास्ट टनल बनाने के लिए जो ब्लास्टिंग होती है उससे हिल जाती है, जिससे कि पानी के स्रोत जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, वहां की जो बायोडायवर्सिटी है उस पर भी प्रभाव पड़ता है, और साथ ही साथ जो लोगों की एक आजीविका है उस पर प्रभाव पड़ता है। तो इन्हीं कारणों को लेकर ये जो लोगों पे जो ये विपरीत असर पड़ते हैं इन प्रोजेक्टों से, तो इनके खिलाफ तो लोगों ने बड़े स्तर पर जितनी लड़ाइयां चलती हैं किसी एक डैम के खिलाफ ये कुछ सालों तक चालू रहती हैं, और इससे कोई एक, मेरे को लगता है कि एक लंबा, जैसे कि अगर हम बात करें एक काशान नदी पे एक प्रोजेक्ट बनने वाला था, तो वहां के लोगों ने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी, करीब 15-16 साल से वो लड़ाई लड़ी, और जो नेताओं ने, जिन नेताओं ने उस लड़ाई को शुरू किया वो आज के दिन अब कई तो इस दुनिया में भी नहीं रहे, तो उसके साथ दूसरी पीढ़ी आ गई और आज के दिन अब वो प्रोजेक्ट बनने की कगार पर है। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये जो हम एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट के स्तर पर जो लड़ाई लड़ते हैं वैसे तो ये जरूरी है, लेकिन हमें अब धीरे धीरे ये जो अनुभव हुआ है उससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं इन नदियों को एक समग्र रूप से भी देखना चाहिए और उसके बारे में बात करनी चाहिए। अगर हम हिमाचल की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि अभी कुछ ही नदियां हैं जिनको कि आज के दिन हम कह सकते हैं कि जो कि बची हुई हैं, जो फ्री फ्लोइंग स्टेटस में हैं, जैसे कि लाहौल स्पीति में चंद्रा और भागा नदी है, अपर किन्नौर में अगर हम देखें तो एक स्पीति नदी है, और ब्यास में एक तीर्थन और शायद कुछ हिस्सा ब्यास नदी का जो कि इन प्रोजेक्टों की मार से बचा हुआ है, जिनके बारे में अब जो ये जो नदियां बची हैं इनको आगे हम कैसे बचाएं, तो
उसके बारे में हमें सोचना चाहिए और आगे इसके लिए कैसे कार्य करें इसके बारे में हमें थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। तो इसी चीज को लेकर आज जो 14 मार्च है, आज के दिन की जो इस साल की जो थीम मुख्य तौर पे है कि ये कि उसमें यह है कि मेन है कि नदी के क्या अधिकार हैं, इसको लेकर है। तो आज ये जरूरी है कि हम पहले सबसे पहले इस इन जो फ्री फ्लोइंग जो नदी का एक जो कंसेप्ट है इसको समझें और इसके बारे में जानें, और फिर साथ ही साथ ये भी देखें कि और पूरे विश्व स्तर पर इस पर और क्या कार्य हो रहे हैं इसको भी देखें। तो इन सब चीजों को लेकर हमारे पास आज दो रिसोर्स पर्सन आए हुए हैं, हमारे साथ हैं, इस सेशन में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हैं परिणीता दांडेकर जी, जो कि एसोसिएट कोऑर्डिनेटर हैं साउथ एशिया नेटवर्क फॉर डैम्स रिवर एंड पीपल, साथ ही साथ वो रिवर रिसर्च सेंटर केरला और इंडिया वाटर पोर्टल प्लस ये गौमुख ट्रस्ट है उनकी ट्रस्टी सदस्य भी रहे। और ये इनका जो मुख्य जो कार्य है वो शोध और अध्ययन का है, जो कि ये मुख्य तौर पर पानी के मुद्दों पर किए हैं। और साथ ही साथ इन्होंने जो एक नदी को जो हम कहते हैं एक लिविंग एंटिटी या उसको कहें कि एक जीवित प्राणी के तौर पर जो उसके विभिन्न विभिन्न पहलू होते हैं उस पर अध्ययन भी किया है और इस पर काफी इन्होंने लिखा भी है। और हमारे साथ जो दूसरे जो सदस्य हैं वो हैं दौलत भारती जी, जो कि एक पर्यावरण और सामाजिक कार्यकर्ता हैं और साथ ही साथ एक पत्रकार भी हैं। ये जो तीर्थन की जब जो लड़ाई चली उसमें ये काफी सक्रिय रूप से इन्होंने भाग भी लिया और इसके बारे में विभिन्न पत्रिकाओं में और न्यूज़पेपर में इन्होंने लिखा भी। तो आज हम इनकी इन विषयों पर बात भी सुनेंगे। मैं सबसे पहले परिणीता दांडेकर जी को आमंत्रित करूंगा कि वो थोड़ा ये बताएं, ये समझाने की ये लोगों को बताएं कि ये जो फ्री फ्लोइंग जो रिवर है, जो एक कंसेप्ट है, उसके बारे में पहले बताएं, फिर ये कंसेप्ट ये आया कैसे, इसका ओरिजिन क्या है, और हमें आज के दिन ये जो फ्री फ्लोइंग की जो हम बात कर रहे हैं ये करना क्यों जरूरी है, थोड़ा इस बारे में अगर वो अपने विचार रखे तो। धन्यवाद जी। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। आपको सुनाई दे रहा है? आप सुनाई दे रहे हैं। किसी भी जूम मीटिंग का पहला प्रश्न होता है कि क्या आपको सुनाई दे रहा है ठीक से, तो वो मैंने पूछ लिया तो हम आगे जा सकते हैं। तो वैसे तो जैसे आपके सेशन का नाम ही है लुप्त धारा या मुक्त धारा, और हम उस पर बातचीत करेंगे। मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है तो आप मुझे माफ कर दीजिएगा, बीच बीच में अंग्रेजी शब्द आए करेंगे। और आपने पूछा कि ये जो कंसेप्ट है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो अगर हम बहुत साइंटिफिकली सोचे तो बहुत सारे देशों में इस कंसेप्ट की शुरुआत हुई है। जैसे 1968 में अमेरिका में वाइल्ड एंड सिनिक रिवर्स एक्ट पारित हुआ था। लिंडन जॉनसन तब वहां के प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने बहुत ज्यादा और भी पर्यावरणीय काम और निर्णय लिए और तब वो पारित हुआ था। और उस कायदे का जो प्रीएम्बल है उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग वाक्य है। उन्होंने कहा है कि हमारे देश में बांध बांधने की और नदियों पर कंस्ट्रक्शन करने की और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की तो पॉलिसी है, और इस पॉलिसी को कॉम्प्लीमेंट करते हुए हमें एक ऐसी भी पॉलिसी चाहिए जिससे कम से कम कुछ मुक्त धारा नदियों को हम संरक्षण दे सके। आज अमेरिका में करीब करीब 75,000 बांध है, बड़े बांध है, हमसे तो काफी ज्यादा है, लेकिन उन्होंने फिर भी एक 10 साल में 1,000 से ज्यादा बड़े बांध निकाल भी दिए हैं। और तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से ये तो सबसे बड़ा उसमें कदम है मुक्त धारा के लिए। लेकिन मुझे आपके नाम से ही याद आ गया, जब आप मुक्त धारा जो आपने नाम बताया, रविंद्रनाथ टैगोर जी का नाटक है, 100 साल से ज्यादा हो गए उसको, जिसका नाम ही है मुक्त धारा। और वो नाटक इसी
चीज पे है कि एक नदी बह रही है, छोटी नदी है, दो दो राज्यों में बह रही है, ऊपर का राज्य और नीचे का राज्य, और उसपे बांध बनता है और उसके बांध से क्या क्या होता है, और उसके उस नाटक के बाद ऐसा है कि उस राज्य का जो राजपुत्र और वहां के लोग हैं वो नीचे के राज्य का सोचते हुए उस बांध को तोड़ देते हैं, और उस नाटक का नाम है मुक्तधारा। अभी उसको तो 100 साल से ज्यादा हो गए, तो और उसमें उन्होंने मुक्तधारा नदियों के बारे में लिखा है टैगोर जी ने। टैगोर जी सिर्फ कवि या सिर्फ साहित्यिक नहीं थे, उनको इकोलॉजी और लोग, ये दोनों का जो संबंध है उसका उनको बहुत गहरा एक सोच थी उनकी। तो ये आप जरूर पढ़िए। तो दूसरी बात है नदी, जो हम कहते हैं नदी का अर्थ, जिस शब्द से, जिस धातु से नदी आया है उसके अर्थ में ही नाद है। नाद यानी आवाज। नदी का आवाज तभी आता है जब नदी बहती है, इसीलिए हमारे यहाँ पे बहुत सारी नदियों का जो नाम होता है वो आवाज से लिंक्ड होते हैं, जैसे दिबांग तो या फिर सिमसांग, जो भी एक नदी के आवाज का नाम है। तो बात ये नहीं है कि मुक्तधारा नदियों का कंसेप्ट आया कब से, बात ये है कि सभी नदियों को बांध बांध के सूखा करने का कंसेप्ट कब से आया। मुक्तधारा नदियां तो हमको पता है, वो तो हमारा कंसेप्ट था ही पहले से, वैसे ही थे। तो उसका जो शुरुआत है, एक शुरुआत है वो 1968 में, जैसे मैंने कहा वो वाइडल सिनिक रिवर्स एक्ट से हुई। बाकी बहुत सारे देशों में, कनाडा में हेरिटेज रिवर्स एक्ट आया, स्वीडन और नॉर्वे जहाँ पे बहुत ज्यादा जल विद्युत परियोजनाएं वहां पे भी हुई, लेकिन वहां पे भी एक ऐसी सोच रही है कि हर इको रीजन में, जैसे हमारे यहाँ पे देखे तो हिमालय, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न हिमालय या फिर विंध्य, हर एक इको रीजन में कम से कम एक नदी तो मुक्तवाहिनी चाहिए ही, और ऐसे स्वीडन और नॉर्वे दोनों देशों में है। जबकि नॉर्वे की काफी सारी इलेक्ट्रिसिटी है वो जल विद्युत परियोजनाएं से आती है, लेकिन वहां पे भी मुक्तधारा नदियों को संरक्षित करने का जो इतिहास है वो काफी देर से है, काफी दिन से चला हुआ है। अब आप हमारे यहाँ, और जैसे आपने कहा कि राइट, नदियों का बहने का हक, अनुपम मिश्री जी कहते थे, और मुझे सबसे उनका वो, जब मैं बोलती हूँ तो नदियां बोलती हूँ तो मुझे वही वाक्य उनका याद आता है कि नदी का धर्म है बहना, और इस चीज में धर्म का जो अर्थ है वो सीमित नहीं है सिर्फ आप किस भगवान की पूजा करते हो, धर्म का अर्थ है नदी, नदी का अंदरूनी सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है तो वो है उसका बहाव। ये अनुपम मिश्री जी ने कहा था। आज हम कह रहे हैं, आज लिरोर पॉफ यानी बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि सबसे मास्टर वेरिएबल, अगर आपको एक नदी को संरक्षित करना हो या जीवित करना हो तो उसका सबसे महत्वपूर्ण वेरिएबल या सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसपे हमें काम करना चाहिए वो है उसका बहना। क्योंकि पांच जो सबसे बड़े चीजें हैं जिससे नदी अफेक्ट होती है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, पोल्यूशन है, सूखापन है, फ्रेगमेंटेशन है, और नॉन नेटिव स्पीशीज यानी जो नदी की स्पीशीज नहीं है उनका उसपे इंट्रोडक्शन है, ये सभी चीजें एक ही चीज से सबसे ज्यादा प्रभावित होती है और वो है उसका बहना। तो मुक्तधारा नदियां ये क्यों होना चाहिए या फिर उनका महत्व क्या है, इस प्रश्न से हट के हमें यहाँ पे आना चाहिए कि हम सिर्फ बांध बांधने की पॉलिसी ही हमारी विकास की पॉलिसी है ये कब से मानने लगे, ये मुझे सबसे महत्वपूर्ण लगता है। अभी आप जगदलपुर में देखो, एक करीब 10-15 साल से इस चीज में अध्ययन बढ़ने लगा है, सरकार सब देशों में अध्ययन बढ़ने लगा है, और हमें आज ऐसे पता चल रहा है कि बड़ी जो नदियां हैं जो 1000 किलोमीटर से ज्यादा बहती है उनमें से सिर्फ 20-21 ही नदियां हैं जो उगम से समुद्र तक या फिर बड़े तालाब तक जहां पे उनका अंत होता है, विलीन होती हैं, वो वहां तक बहने वाली सिर्फ 20-21 नदियां हैं जो बड़ी हैं, 1000 किलोमीटर से ज्यादा है, बाकी सब नदियों पे हमने बांध बांध दिए हैं।
और ये भी नदियां जो है 1/3 सबसे लंबी नदियां जो फ्री फ्लोइंग है, इनमें से 40% नदियां ये अमेजोन खोरे में है या फिर रशिया में। सो इसका अर्थ सीधा साधा ये है कि हमने दुनिया भर की सारी बड़ी नदियों पे बांध दिए हैं, हमने उनको बांध दिया है पूरी तरह से। 25% सेडिमेंट से गार जो होता है नदी का, जो जिसमें हम खेती करते हैं, जिससे शहर बनते हैं, जिससे डेल्टा नदी का मुख जो है उसको रूप गाद देता है, सिल्ट देता है, उसको उस गाद को हमने घरों के पीछे, बांधों के पीछे बांध रखा है। 50% से ज्यादा फ्रेश वाटर आज हमारे बांधों के पीछे बंधा पड़ा है। तो और ये देश, ये तो जगभर में हो रहा है, लेकिन अलग बात ये है कि इसके एज अ रिस्पॉन्स टू दिस बहुत सारे देशों में कायदे बन रही है, नीति बन रही है, जिससे मुक्तधारा नदियों को संरक्षित किया जा सके। ऐसा नहीं है, और ऐसे भी देश है जिसमें, जैसे चाइना जैसा देश है जिसको हम बोलते हैं कि सबसे बड़ा बांध बांधने वाला देश, वो तो वो है ही, लेकिन वहां पे भी इस चीज पर अध्ययन भी हो रहा है और काफी नदियों को संरक्षण भी मिल रहा है। हमारे यहाँ पे हम ये डिस्कस नहीं करते, आज हिमालय की हम बात कर रहे हैं, भागीरथी का सिर्फ 100 किलोमीटर इको सेंसिटिव जोन करने के लिए कितनी लड़ाइयां करनी पड़ी, कितने लोगों को लिटरली अपने प्राण गंवाने पड़े, ये हमको सबको पता है। और सो बैकग्राउंड ऐसा है कि जग भर में ऐसा हो रहा है। अभी अमेरिका में करीब करीब मैल में देखे आप तो 13,000 माइल्स नदियां बह रही है बिकॉज ऑफ वाइल्ड एंड सीनिक रिवर्स एक्ट। अभी बात यह है कि साइंटिफिक तरीके से आप मुक्त नदी को, मुक्त धारा नदी को डिफाइन कैसे करेंगे, तो उसमें इसमें तो क्लियर डेफिनेशन है नहीं, बिकॉज नदी तो लुप्त होती है, हम गंगा को भी बोलते त्रिपुटका गंगा है, लुप्त होती है, कभी उभरती है, उसका जो कनेक्शन होता है वो सिर्फ नदी यहाँ से होके वहां जाती है ऐसा नहीं होता है, उसके लैटरल कनेक्शन होते हैं, वर्टिकल कनेक्शन होते हैं, लॉन्जिट्यूडनल कनेक्शन होते हैं। तो अभी का डेफिनेशन जो सबने माना है वो है कि एक नदी अपने सारे कनेक्शंस जीवित रख के जो बहती है वो मुक्तधारा नदी है। उसमें होगा लॉन्जिट्यूडनल कनेक्शन, उसके उगम से लेके वो जहां पे विलीन होता है तब का, उसमें होगा लैटरल कनेक्शन यानी नदी का अपने फ्लड प्लेन्स से, जहां पे उसका उसके फ्लड वाटर्स पहुंचते हैं, जिसको राइपेरियन बोलते हैं। हम तो उसको बहुत बड़े बड़े नाम देते हैं, लेकिन हमारे कथाओं में, हमारे कविताओं में, हमारे गानों में हम कदम के वृक्षों की बात करते हैं, हम नदी के मैं इसमें बहुत डाइग्रेस होती हूँ, लेकिन बहुत सारे साहित्य प्रकार में हमने राइपेरियन जोन्स के बारे में बात की है। तो ये उसकी लैटरल कनेक्शन है, वर्टिकल कनेक्शन है नदी का उसके सरफेस का फ्लो और ग्राउंड वाटर से कनेक्शन, और चौथी बात है टेम्पोरल यानी समय के स्केल पर क्या नदी बहती है, या फिर उसको हम 22 घंटे पकड़ के रखते हैं और 2 घंटे ही छोड़ते हैं, वो भी बताता है कि मुक्तधारा है या नहीं। तो ये 4 बड़े उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन फिर भी इसलिए मुझे बहुत आज खुशी है कि दौलत भारती जी जैसे और सुमित जी हैं, प्रकाश जी हैं, इनसे मुझे सीखना मिलेगा, मुझे सुनना मिलेगा, क्योंकि ये सब जो डेफिनेशन है और ये सब जो तांत्रिक डेफिनेशन है, ये सब बड़े नदियों की, दूसरे देशों की नदियों की है, ये हमारे छोटे नदियों के लिए जहाँ पे बांध बंध रहे हैं, जहाँ पे एक्चुअल प्रॉब्लम है, उनके लिए उनका सत्य पूरी तरह से रिप्रेजेंट करती है या नहीं, ये सवाल है, और इसके लिए हमें इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। तो ये है बैकग्राउंड। धन्यवाद परिणीता जी। इसमें हम लोग ये भी थोड़ा जानना चाहेंगे कि ये जो जितना आपने ये बताया कि जो फ्री फ्लोइंग के लिए अलग अलग देशों में प्रयास हो रहे हैं, तो इसमें मुख्य तौर पर जो कम्युनिटीज हैं उनका क्या रोल रहा है, जो स्टेट रहा है उसकी क्या पॉलिसीज रही हैं, वो कैसे बनी हैं, तो थोड़ा सा अगर आप कोई इसमें कोई एग्जाम्पल देके या कुछ ऐसे समझा सकते हैं कि ये किस प्रकार से हो रहा है, तो थोड़ा यहाँ पर सभी को। अब हम तो जागतिक एग्जाम्पल तो दे ही सकती हूँ मैं, लेकिन मुझे शुरुआत करनी है भारत से, कि जब भी हम बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे बड़ी नदियां फ्री फ्लोइंग बहुत कम है, वो तो सच बात है,
लेकिन भारत की नदियों का जो सत्य है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है हमारे समाज जैसे, तो एक ही सत्य है और सब सब खराब हो गया है ऐसा है नहीं। भारत के हर राज्य में कम से कम एक दो मुक्तधारा नदियां तो है ही, और मुझे सबसे महत्वपूर्ण फर्क लगता है जब हम पॉलिसीज की तरफ देखें या फिर जब हम कैसे विदेश में मुक्तधारा नदियों का संरक्षण होता है और कैसे भारत में हो रहा है, तो बहुत इंटरेस्टिंग फर्क है दोनों में। वाइल्ड एंड सिलिक रिवर्स एक्ट जो अमेरिका में आया 1968 में आया, वो उसका जो जो उसको पुश किया था वो दो बंधु थे जो जो फिश साइंटिस्ट थे, फिशरी साइंटिस्ट थे, उन्होंने काफी सारे फिश देखे वहां पे और तब से वो प्रेशर ग्रुप स्टार्ट हो गए और वो काफी सारे, और तब अमेरिका में वातावरण भी ऐसा था जैसे आज भारत में बिल्कुल नहीं है, लेकिन तब वातावरण ऐसा था कि पर्यावरणीय चीजों के लिए जो राजकीय नेता है उनके कान खुले थे और हृदय भी खुले थे और इसलिए वो वहां पे हो सका। स्वीडन और नॉर्वे में भी यही था। तो बात ये है कि लोगों के जब तक लोग इकट्ठा ना आए और लोग प्रेशर ग्रुप ना बनाए तब तक कहीं भी मुक्तधारा नदियों को संरक्षण नहीं मिला है। लोग इकट्ठा आने के बाद ही सब जगहों पे पॉलिसीज बनी है। जैसे आप भारत में देखो, मैंने एक लिस्ट भी बनाई है, आप किसी भी राज्य में जाओ मुक्तधारा नदियां हैं, जैसे आपने प्रकाश जी आपने बताया था कि स्पीति है, तीर्थन है हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में बालगंगा पिंडर है, आप नीचे आओ तो महाराष्ट्र में, जैसे इतना हमारा महाराष्ट्र में समर्स में एक बूंद पानी के लिए लोग तरसते हैं, लेकिन जो मुक्तधारा नदियां हैं कोंकण में और विदर्भ में वो अभी भी लोगों को बहुत सारे इकोलॉजिकल गुड्स एंड सर्विसेज देती हैं। शास्त्री नदी है, तेरेखोल नदी है, दाभीड़ नदी है, दाभीड़ नदी ऐसी है महाराष्ट्र में जिसको आज तक जिसको बचाया है सिर्फ और सिर्फ लोगों के प्रयास में, जहाँ पे बहुत सारा माइनिंग है वहां पे एक बांध बनने वाला था लेकिन सिर्फ लोकल एक्शन ने उस नदी को आज भी बहता हुआ रखा है, और सिर्फ बहता हुआ नहीं रखा है, वो 10 गांव को पानी, पीने का पानी भी देती है, सिंचित भी करती है क्षेत्र वहां का। आप नीचे आओ कर्नाटक में अघनाशिनी नाम की नदी है जिसपे बहुत सुंदर अध्ययन हुआ है, दो नदियों का कंपैरिजन है, एक अघनाशिनी और शरावती। शरावती पे बहुत सारे बांध बने हैं, जल विद्युत प्रकल्प बने हैं जैसे हिमालय में बन रहे हैं, शरावती का जल विद्युत जो निर्मिति है वो दूर के शहरों में जाती है जैसे बैंगलोर। अघनाशिनी मुक्तवाहिनी या मुक्तधारा नदी है जिस पर अब तक तो कोई बांध बंधा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लोगों के और बहुत सारे शास्त्रज्ञ और सब लोगों के जुड़ जाने से। अघनाशिनी में 20 मच्छी फिशरफोक के विलेजेस है, शरावती जो बिल्कुल उसी के जैसे उसी के साइड में बहने वाली नदी है, इकोलॉजिकली वेरी सिमिलर, उनके उनके लेंथ भी सिमिलर है। इस यहाँ अघनाशिनी में 20 मछुआरों के गांव है, यहाँ पे 10 से कम है। यहाँ पे बायवाल्व्स यानी सीप बोलते हैं जो नदी में यहाँ पे नदी के यहाँ पे बनती है, वहां वहां की पूरी इकोनॉमी है अघनाशिनी में, शरावती में पूरा खत्म हो गया है। ये जो एस्चुरी है अघनाशिनी की उसके 1 हेक्टर, वो जो अध्ययन हुआ था बहुत इंटरेस्टिंग अध्ययन है, उसके 1 हेक्टर में 5.5 लाख रुपए का हर साल लोगों को उत्पन्न मिलता है। जहां पे बांध बन गए शरावती में वहां पे 13,000 का भी उत्पन्न नहीं मिलता 1 हेक्टर जमीन से। तो ये अघनाशिनी कर्नाटक में ही बेड़ती नाम की एक नदी है, गंगावली या बेड़ती, जिसको भी आज तक बांधों से बचाया है तो सिर्फ और सिर्फ लोकल स्ट्रगल्स में। मुझे यहाँ पे बहुत सारे पैरेलल्स दिख रहे हैं। अमेरिका में बिग बेंड यानी रियो ग्रांड नदी है जो अमेरिका और मेक्सिको का बॉर्डर होता है, वहां पे वाइल्ड और सिनिक रिवर्स एक्ट से नदी बचाई गई, वो भी सिर्फ लोगों के दबाव की वजह से था। और एक नदी है अमेरिका में पास्का गौला जो उसके उगम से विलीन होती है गल्फ ऑफ मेक्सिको में, तब तक पूरी संरक्षित है और पूरी फ्री फ्लोइंग है क्योंकि उसके दोनों बाजू की जो जमीन है वो लोगों ने खरीद ली नदी को बचाने के लिए। अब भारत में ये होना हमारे लिए होना बड़ा मुश्किल है, तो मुझे लगता है हम तो सब देशों से
उनके कायदों से नीति से सीखना तो चाहिए, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि हमारे जो सिचुएशन है वो काफी अलग है इन देशों से। मुझे सबसे ज्यादा समझ में आई बात ये बाकी के देशों का अध्ययन करने के बाद कि बहुत सारे देश यूरोप में हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, स्वीडन और नॉर्वे हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो, या साउथ अमेरिका के काफी देश आ रहे हैं वहां पे, यहाँ पे नदियों को संरक्षण और मुक्तधारा नदियों को संरक्षण ये टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए या फिर बायोडाइवर्सिटी के लिए, रिक्रिएशनल फिशिंग के लिए यानी खाने के लिए नहीं लेकिन रिक्रिएशन के लिए, इन चीजों का एंडेंजर्ड स्पीशीज के लिए, संरक्षित प्रजातियों के लिए, ये है उनके सबसे ठोस मुद्दे जिनकी वजह से इनकी नदियों को संरक्षित किया गया है। आप भारत में आके देखिए या फिर आप भारत ना कहिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आके देखिए, ये जो नरेटिव है थोड़ा शिफ्ट हो जाता है और हमारी मुक्तधारा नदियों का जो कुछ जहां 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 मैं गई हूँ, जो देख सकी हूँ, लोगों से बात कर सकी हूँ, वहां पे उनको संरक्षित करने का सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है लाइवलीहुड्स। लोगों की जीवन शैली मुक्तधारा नदियों के साथ बंधी हुई है, और ये जब आप बांध से बंधी हुई नदी से कंपेयर करते हो तो आपकी आंखें खुल जाती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सब बांध में सबको सबका ही विकास हुआ है, सबको ही उसके फायदे मिले हैं, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है। और जब मैं शास्त्री नदी या फिर सिमसांग नदी मेघालय में है जिसपे लोगों ने महासीर मछली के सेंचुरीज बनाए हैं, संरक्षित सेंचुरीज बनाए, सिर्फ लोगों का काम, फिर वापस उसमें फिशरीज डिपार्टमेंट आके जुड़ गया। बहुत ही सुंदर वहां पे 12 से 14 सेंचुरीज हैं जहां पे ना ही मछली बची है लेकिन नदी भी बची है। तो हमारे यहाँ पे मैंने ये, मुझे बहुत क्लियर फर्क लगता है कि बाकी के देशों में, हालांकि वहां पे भी जो संरक्षण मिला वो सिर्फ लोगों के प्रेशर से ही ये नीति और कायदे हो सके, लेकिन वहां का संरक्षण और वहां का डिस्कोर्स ये थोड़ा अलग किस्म का है और हमारे यहाँ का जो डिस्कोर्स है वो अलग किस्म का है। हम लाइवलीहुड्स और लोगों का लोगों की जीवन शैली, कल्चरल इम्पोर्टेंस, सांस्कृतिक महत्व नदियों का, जैसे सिक्किम में देखो आप, आसाम में देखो जहाँ पे नदी बची है, या फिर पिंडर जहाँ पे बिमल देवी ने बांध बांधने वाले फैक्ट्री से कॉम्पेंसेशन लेना नहीं बोला क्योंकि वहां पे पिंडदान होता है नदी पे, और उन्होंने कहा कि मैं नदी का बहना ये तो हमारे पूर्वजों के लिए महत्वपूर्ण है। जो ही बात सिक्किम के लेपचा ट्राइब्स के लोग बोलते हैं कि आप उस पर बांध ही नहीं सकते क्योंकि वो हमारे पूर्वजों की नदी है, हमारा जो आत्मा है मरने के बाद जो स्वर्ग का दरवाजा ढूंढेंगे वो नदी से ढूंढेंगे, आप यहाँ पे बांध बांधो तो हमारे आत्मा वहां पे जा ही नहीं सकेंगे। तो मुझे लगता है कि हमारा डिस्कोर्स जो है मुक्तधारा नदियों के लिए वो बाकी के देशों से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और ये होने के बावजूद हमारे यहाँ पे नीति अब तक ना बन सकी है जिससे नदियों को, पूरी नदी तो छोड़ ही दे लेकिन इवन नदी के स्ट्रेच को हम संरक्षित कर सके। तो मुझे उससे थोड़ा थोड़ी तकलीफ होती है, बट उसी के साथ जब बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं केरल से लेके, जैसे केरल में साइलेंट वैली का जो स्ट्रगल था कुंती पूजा नदी के लिए 1960s में जो हुआ था, जो कुंती पूजा नदी आज भी मुक्तधारा करके बह रही है, वो सिर्फ नदी मुक्तधारा नहीं रही, ना उस नदी ने सिर्फ जंगलों को पोषण नहीं दिया, वहां से डॉक्टर लता अनंता जैसे लोग तैयार हो गए जिन्होंने आगे चलकर कितनी सारी नदियों को बचाए। तो ये डिस्कोर्स में फर्क है दोनों के, मुझे लगता है हमारा डिस्कोर्स ज्यादा स्ट्रांग और आगे जा सकता है, लेकिन नीति तो हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं है नदी को संरक्षित करने के लिए, ये भी अपनी सच बात है। प्रकाश जी तो अब थोड़ा, जैसे आपने बात की भारत के कॉन्टेक्स्ट में क्या है, तो हम ये देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में ही तीर्थन नदी पे एक बहुत सक्सेसफुल मूवमेंट चला है, तो मैं चाहूंगा दौलत भारती जी से कि वो पूरा जो एक मूवमेंट चला है वो क्यों शुरू हुआ और उस वो मूवमेंट कैसे शुरू हुआ और कैसे चला, और आज के दिन उस मूवमेंट के चलने से जो तीर्थन एक फ्री
फ्लोइंग रिवर का जो स्टेटस मिला उससे क्या वहां के लोगों की आजीविका को, वहां के पर्यावरण को उसका क्या फायदा हुआ, थोड़ा अगर आप बताएं इस पे डिस्कस करें। जी दौलत भारती जी, सभी को नमस्कार। दरअसल पिछली सदी के आखिर में हिमाचल प्रदेश में बिजली परियोजना बनाने की एक होड़ सी लग गई थी, और जो सरकार सत्ता में आई थी उसका एक सपना था कि हिमाचल प्रदेश को बिजली राज्य बनाया जाए। तो इसी कड़ी में 1998 के बाद जब 99 में पार्वती हाइड्रल प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ, तो जो वहाँ हालात हुए, जिस तरह सहेंज नदी यकायक लुप्त हो गई और वहाँ बादल फटे, तो उसके बाद बड़ी तेजी से जो इकरार किए गए प्राइवेट कंपनीज के साथ, उन कंपनीज को कहा गया कि वो खुद ऐसी जगह चुने जहाँ वो बिजली परियोजनाएं बनाना चाहते हैं। तो 40 किलोमीटर लंबी तीर्थन स्ट्रीम पर भी करीब सात परियोजनाओं के करार हुए। तो उस समय क्या था कि जो तीर्थन घाटी के रंजीव भारती, जो पर्यावरण प्रेमी भी है और ट्राउट मछली के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में बेहतर काम कर रहे थे, तो वो ये देख रहे थे कि तीर्थन की नदी में जो ट्राउट पाई जाती है उसकी वजह से धीरे धीरे पर्यटन को बढ़ाया जा सकता है। और जब ये करार हुए तब उन्हीं के पिता स्वर्गीय दिलेराम शिवाब जी, जो विधायक रह चुके हैं, जिनकी वजह से यहाँ की ट्राउट बची थी, और उन्होंने सब लोगों को प्रेरित किया, और कुछ स्थानीय सचिव संगठन, जीव भारती और दिलराम शाह जी की भाई पुष्पा जी, फिर हम गांव गांव जाकर लोगों में गए। हालांकि लोगों को ये लग रहा था कि बिजली परियोजनाएं बनने से क्षेत्र का विकास होगा, सड़कें बनेंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, और लोगों को जो भूमि उनकी जो परियोजनाओं में जाएगी उसका उन्हें क्लेम मिलेगा, इससे उनकी आर्थिकी सुधरेगी। लेकिन बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने लोगों के बीच जाकर उसके नफा नुकसान समझाए, सहेंज में हो रही बदहाली के बारे में बताया, सतलुज के जो जल स्तर लगातार बढ़ रहा, बाढ़ आ रही, उसकी वजह बताई। तो ऐसा करते करते धीरे धीरे कुछ लोगों का एक ग्रुप बन गया, और उसी तरह से क्या है कि एक स्वैच्छिक संगठन के माध्यम से प्रदेश में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। और जब दरवाजा खटकाया गया तो उसमें बहुत से लोग थे, उस दौर में हम कहें कि हिमाचल प्रदेश के एक मंत्री हर्ष महाजन जी थे, राजस्थान के तत्कालीन जो ऊर्जा मंत्री थे वो थे, तो उन लोगों ने भी पूरा सपोर्ट किया। और इस तरह जो बिल्कुल तीर्थन के जो पर्यावरण के कायल थे, तीर्थन नदी की जो आवाज के जो कायल थे, या जो यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य के कायल थे और प्रदूषण मुक्त बैलरी के जो कायल थे, उन सब लोगों ने आकर इस संगठन का हम लोगों का साथ दिया। और धीरे धीरे ये हुआ कि जब हाई कोर्ट ने व्यवस्था दी कि ना तो तीर्थन और ना उसकी जो सहायक नदियां हैं उस पर कोई बिजली परियोजना नहीं बनेगी, और उसके बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी फैसला लिया कि इस पर परियोजना नहीं बनेगी। और दूसरे दौर में क्या हुआ कि जब सरकारें बदली, दूसरी दल की सरकार आई, तो उसको भी सदन के अंदर मानना पड़ा कि इस पर कोई बिजली परियोजना नहीं बनेगी। और आज स्थिति ये है कि यही तीर्थन पूरी बैली के रूप में, तीर्थन नदी ने एक बैली को नाम दिया, तीर्थन के आर पार जो भी वादियां हैं वो तीर्थन बैली हो गई। और आज तीर्थन बैली जो सैलानी हैं, जो प्रकृति प्रेमी हैं, जो नेचर चाहते हैं, जो प्रदूषण मुक्त वातावरण चाहते हैं, सबसे पसंदीदा सैरगाह बनती जा रही है, और लोगों का लगातार जो है रुझान बैली की ओर बढ़ रहा है। और उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये देखिए कि वो तीर्थन ना केवल 1-2 किलोमीटर में सिमट कर रह गई, बल्कि जहां आखिरी छोर है उसका, अब जहां सड़क पहुंच रही है, वहां भी लोग अपने घरों को होम स्टे के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं, ताकि वहां आने वाला कोई भी नेचर लवर जो है वो वहां रह सके, जो मछली का शौकीन है वो रह सके। और दिलचस्प ये है कि आज भी ये 40 किलोमीटर जलधारा बिजली परियोजना ना बनने की वजह से 40 किलोमीटर तक इतनी साफ सुथरी है कि आप चाहो तो कहीं भी इसका पानी पी सकते हैं। और जहां तक मैं समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में शायद ही इससे साफ सुथरी कोई नदी आज हो, और इसकी वजह से आज लोगों को ये पता चल रहा है कि अगर यहाँ बिजली परियोजनाएं बनती तो उन्हें क्या मिलता, उन्हें शायद कुछ भी ना मिलता, हालात वही होते जो सहेंज जैसी जगह पे परियोजनाओं की वजह से हुए हैं। पूरे वाटर सोर्सेज वहां के सूखे, जितनी बावड़ियां या नलके झरने थे सब सूख गए, लेकिन तीर्थन वैली में ये सब आज भी बच पाया है सिर्फ और सिर्फ एक नदी को बचाने से। आज अभी जिस तरीके से हम देख रहे हैं, अभी हमारी चर्चा भी हो रही थी कुछ मित्रों से, कि इस साल का या पिछले 2-3 साल का मौसम बर्फ बहुत कम पड़ रही है पहाड़ों में,
बर्फ कम पड़ने से तीर्थन का जो वाटर लेवल है वो भी कम हो गया है, और दूसरी बात यह होगी जितने हमारे नेचुरल सोर्सेज थे उनमें से ज्यादातर सूखते जा रहे हैं और लोगों को पीने के पानी की समस्या, गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और जहां तक मेरी निजी राय है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में यही तीर्थन लोगों के लिए पेयजल उपलब्ध करवाने वाली एकमात्र निर्मल धारा रहेगी और दूसरी कोई नहीं होगी। तब शायद किसी की समझ में आए, सरकारों की समझ में आए कि पानी को, इन जल धाराओं को बचाने के क्या फायदे हैं। लेकिन ये सच है कि तीर्थन को अगर बचाया गया वो कोई सरकारी प्रयास नहीं थे, बल्कि वो उन लोगों के प्रयास थे, स्थानीय लोगों के प्रयास थे, जिनको लगा कि परियोजनाओं से ज्यादा लाभकारी हमारे लिए घाटी का पर्यटन हो सकता है। इस वजह से वो जो लंबी लड़ाई लड़ी गई थी उसके बड़े सार्थक नतीजे आए हैं। आज हर कोई जो वैली के अंदर जो चाहे वो टूरिज्म यूनिट चला रहा है, किसी तरह से पर्यटन गतिविधि से जुड़ा हुआ है, जब भी साल में 3-4 कॉल होती है तीर्थन को साफ करने की, उसको साफ सुथरा रखने की, उसमें लोग, घाटी के लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। और लोगों की वजह से ही आज ये नदी बची है और लोग ही इसको बचाने की दिशा में खुद प्रयास कर रहे हैं, नदी नालों के किनारों पे प्लांटेशन कर रहे हैं। और ये परियोजनाओं का विरोध करने के बाद एक और पॉजिटिव असर जो है वैली के अंदर दिखाई दे रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, इसी नदी की वजह से जो बिल्कुल तीर्थन के अपोजिट एक जीभी वैली है उसमें भी लोग नदी नालों का महत्व समझने लगे हैं। और इसी तरह से जो मुख्यमंत्री के क्षेत्र का इलाका जिन जहली वगैरह भी है, लोगों को लग रहा है कि तीर्थन नदी है, इसकी वजह से तीर्थन वैली में इतने ज्यादा लोग घूमने फिरने के लिए आ रहे, क्यों ना हम भी अपने नदी नालों को साफ रखें, और वो तीर्थन का अनुसरण करता हुआ दिख रहा है। धन्यवाद दौलत भारती जी। अब इसके साथ जो ये हमने पूरा जो एक फ्री फ्लोइंग का एक जो पूरा कंसेप्ट था और पूरे दुनिया में क्या प्रयास चल रहे हैं और कैसे चले उसके बारे में सुना, और उसके साथ साथ हमने तीर्थन के बारे में भी थोड़ा बहुत जाना। तो आज के दिन जो हम हिमाचल की जो हमने स्थिति देखी कि जो तीर्थन नदी है उसके अलावा हमें दिख रहा है कि दो जो बड़ी नदियां हैं जो कि चंद्रा और भागा जो कि लाहौल में है, और जो दूसरी नदी तीसरी नदी है जो स्पीति, जो कि स्पीति घाटी और हंगरंग घाटी में बहती है। अब यही जो नदी है जिनको हम एक तरीके से कह सकते हैं कि ये फ्री फ्लोइंग नदी है, लेकिन हम आज के दिन देख रहे हैं कि जो चंद्रभागा में है जो जो नदियां हैं उसमें करीब 56 हाइड्रो प्रोजेक्ट कहीं प्रपोज हैं, और साथ ही साथ स्पीति नदी में भी जो हंगरंग घाटी है उसमें 3-4 प्रोजेक्ट उसमें भी प्रपोज हैं। तो थोड़ा हम ये अब इस डिस्कशन को थोड़ा आगे ले जाते हैं क्योंकि सभी बातें सुन ली है। अब हम थोड़ा इन घाटियों से जो लोग हैं जो आए हुए हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे भी थोड़ा उनके विचार सुनते हैं इस बारे में। तो मैं सबसे पहले ये प्रेम कटोच जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आके थोड़ा ये जो चंद्रभागा जो पूरी नदी है इसके बारे में और जो अपना क्षेत्र है उसके बारे में अपनी बात रखें। कटोच जी हाँ जी सुनाई दे रहा जी। हाँ जी अच्छा सभी को मेरा नमस्कार। मैं आप लोगों का धन्यवाद हूँ कि हम लोगों को आपने इस उसमें जोड़ा है। तो मैं लाहौल स्पीति से हूँ और यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है प्रॉब्लमेटिक क्या हो रहा है कि सरकार ने यहाँ पर मेगा हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो जैसे प्रकाश जी ने कहा 56, उसमें कोई 15 और 16 तो मेगा हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें 90 मेगावाट से लेकर 450 मेगावाट तक की परियोजनाएं उसमें सम्मिलित हैं। और इसके साथ बड़े डैम रिजर्वर बनाने का वो प्रपोजल है वो जिस्पा में, और इसके अतिरिक्त जो है मिनी और माइक्रो प्रोजेक्ट्स जो हैं जो 5 मेगावाट से जो नीचे है जो सहायक उनके ट्रिब्यूटरीज में बनने हैं ये अभी प्रपोज्ड है। तो इतने सारे मेगा हाइड्रो प्रोजेक्ट्स और दूसरे मिनी माइक्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को जो प्रपोज किया गया है गवर्नमेंट ने, तो अगर ये सारे धरातल में ये वो जो एग्जीक्यूट हो जाएंगे
तब तो लाहौल का जो लाहौल घाटी का तो अस्तित्व शायद खत्म हो जाएगा। इस इन जो नदी के जो जितने भी कैचमेंट्स हैं यहाँ पर, ये हमारे जो लगभग ये आपके स्पीति का जो बाथल का एरिया है वहां से हमारा शुरू हो जाता है, जहां से चंद्रा नदी का उद्गम स्थल है, जहाँ ये वैसे तो ये बारालाचा के आसपास वो है चंद्रताल के, वहां से हमारा ये चंद्रा नदी शुरू होती है। और वैसे ही बागा नदी के दूसरी इसके दूसरी तरफ जो है बागा नदी बहती है, वो बागा नदी दोनों मिलके जो है तांदी में जो है इनका संगम होता है आपस में। और इन नदियों का एक तो यह है कि हमारे पूर्वजों से लेकर हमारी मान्यता इसमें बहुत ही धार्मिक मान्यता इसके साथ जुड़ी हुई है। उसका यह है कि इसको सूर्य और चंद्र के एक बेटा और एक बेटी, ये जो है ये बताया जाता है कि वहां से बिछड़े थे और वहां जाके तांदी में जाके संगम स्थल पर इनका मिलन हुआ था, और उसके बाद से नीचे को जो है चंद्राबागा या चनाब के नाम से पुकारा जाता है। और धार्मिक मान्यता हमारी ऐसी है, हम इसको चंद्राबागा संगम स्थल को जो हम लोग 8 माह शमशान में इसकी गिनती होती है, वो चाहे हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से भी हो चाहे बुद्धिस्ट माइथोलॉजी के हिसाब से हो, दोनों के हिसाब से जो 8 माह शमशान, बुद्धिस्ट में उसको दुथगत बोलते हैं, हिंदी में उसको आप हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से 8 माह शमशान, वो एक इस जगह पे जैसे हरिद्वार में जाके हम लोग अपने जो मृत लोगों के अस्थु विसर्जन करते हैं, उतना ही महत्व जो है इस चंद्रभागा के संगम में जाकर हम अस्थु विसर्जित करते हैं। और इस अस्थु विसर्जन केवल ये लाहौल वाले नहीं करते हैं, उड़ीसा तक के लोग आते हैं यहाँ पर अस्थु विसर्जन करने के लिए। और यहाँ का ये वो है कि इसी जगह पे इसी संगम स्थल पे द्रौपदी जो है महाभारत के जो वो है द्रौपदी ने जो है इसी जगह पर उसने अपने प्राण त्यागे थे और इसी जगह पर उसकी अंत्येष्टि की गई थी। और ऐसा भी कहते हैं ऋषि वशिष्ठ ने भी इस जगह जाके तप किया था। और इसी के ठीक साथ में जो हमारा ड्रिलबुरी है, ड्रिलबुरी जो जिसे घंटापाद के नाम से वो है, उस पर बहुत हमारी मान्यता है। हमारा सबसे प्राचीन मंदिर जो है ये यही गुरु घंटाल के नाम से मंदिर है, इसकी बहुत मानता है महत्ता है। और ये इसको हर एक हमारे पूरे लाहौल के लोग को मानते हैं। और ये भी प्रसंग आता है कि इसी जगह पर शिव पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए मेरा कहने का ये मतलब है धार्मिक आस्था से ये पूरा वैली जुड़ा हुआ है। तो अब अगर यहाँ पर मेगा हाइड्रो प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे और यहाँ के जो जितने भी ग्लेशियर्स हैं, पहाड़ों पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, बहुत ग्लेशियर्स हैं, और पहले ही जो है ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर लेक बन गए हुए हैं, कि ग्लेशियर्स को पिघल के बहुत बड़े बड़े लेक बने हुए हैं। एक तो मेरा गांव जो सिसु पड़ता है, इसी के यहीं पर एक गेपन घाट लेक है, इसके बारे में साइंटिस्टों ने बहुत बहुत सारे ग्लेशियोलॉजिस्ट ने अध्ययन करके, ये जीबी पंत ये इंस्टीट्यूट है, इन्होंने भी अध्ययन किया। और एक एक मेरा मित्र भी हुआ, एक हमारे जेएनके के हैं मिस्टर बैबक कॉल, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, वहां से आकर उन्होंने उसका रिसर्च वर्क किया हुआ है इस। और उनका ये कहना है कि ये कभी भी जो इसका इतना वॉल्यूम बढ़ चुका है, कभी भी ये फट सकता है, अगर ये फट जाए तो बहुत ही मतलब नीचे का, सबसे पहले तो मेरे गांव के लिए उन्होंने बोला सबसे पहले तो आपके गांव को ये नुकसान पहुंचने की संभावना हो सकती है, और उसके बाद जो भी डाउनस्ट्रीम में जितने भी हमारे गांव हैं वो लगभग दरिया से के साथ साथ भी बहुत से गांव हैं, उन सारों को खतरा हो सकता है। तो इस हालत में जो है, क्योंकि इसका एक आपको मैं पास्ट का एक वो है, एक हिस्ट्री है, सन 1836 में जब शिगरी ग्लेशियर, जो एशिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर मानते हैं, वो उसने पूरे चंद्र नदी को जो है उसने अवरुद्ध कर दिया था, और कोई
कोई हफ्तों वो अवरुद्ध रहा, और इवन वहां से स्पीति के लोग, स्पीति से उन्होंने, स्पीति के जो राजा है नोनो थे, उन्होंने आर्मी लगा के रखा इसमें कुंदलम जोत पे, कि ये देखा जाए कि कहीं ये फट के इधर कुछ स्पीति को तो नहीं आ जा रहा है। तो मतलब इस प्रकार की वो स्थिति बनी हुई थी। और वो एकदम जब फटा तो मेरे गांव के साथ तीन गांव जो है वो जो है उसका शिट्टी डुप्पी और किचंग बोल के तीन गांव पूरा वॉश आउट हो गया था उसमें, पूरे कुछ भी नहीं बचा था उसमें। तो मेरा कहने का मतलब है हमारे वहाँ स्थिति बहुत गंभीर हो सकती है, क्योंकि हमारे ग्लेशियर्स बहुत बड़े बड़े हैं और बड़े बड़े लेक हैं बने हुए हैं, वो अगर फट जाए तो नीचे डाउन स्ट्रीम में तबाही लाई जा सकती है। अब इस बार उसके ऊपर क्या है, गवर्नमेंट ने जो एक जिस्पा में एक डैम का रिजर्वॉयर का वो प्लान किया हुआ है, उन्होंने प्रपोज किया हुआ है और अलॉट भी हो चुका है वो एचबीपी सेल वालों को। तो उनका ये कहना है कि मतलब आप अंदाजा लगाएंगे 250 मीटर ऊंचा बांध बनेगा, 250 मीटर ऊंचा बांध बना के वहां पर पानी इकट्ठा किया जाएगा, फिर जितने भी डाउन स्ट्रीम्स में जितने भी प्रोजेक्ट इन्होंने प्रपोज किए हैं वो लीन सीजन में वो फीड करेगा, वाटर फीड करेगा। तो गवर्नमेंट के इस तरह के प्रपोजल है। और नीचे नीचे देखो आपका जिस्पा के दो प्रोजेक्ट बनने हैं, तांदी बनना है, राशल बनना है, बरदंग बनना है, सैली बनना है, मयाड़ बनना है, रेवली बनना है, डुगर बनना है, और वो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनने हैं। इसके अलावा जो चंद्रा नदी पर भी जैसे छतड़ू है, खोखसर है, तेलिंग है, शंगलिंग है, गोंदला प्रोजेक्ट है, ये सारे इस तरह के कोई मेगा हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो है वो कम से कम जो 15 या 16 जो है ये प्रपोज है। तो हमारे सभी पूरे लाहौल वासियों का हमारा ये है कि हम नहीं यहाँ लगने देंगे, जहाँ तक हम कोशिश करेंगे तो हमारा हर आदमी, कोई ऐसा आदमी नहीं है जो उसके फेवर में बात करेगा, हर एक आदमी ये कहता है कि हमारे यहाँ डैम ना बने। हम डैम के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। इससे जो है एक तो क्या बात है, क्या है कि लाहौल का पूरा एरिया जो है सिस्मिक जोन 4 और 5 में पड़ता है, कांगड़ा के नज़दीक है। पहले 1905 में भी हमारे लोगों ने काफी त्रासदी झेली है इसमें। तो हमारे लोगों का ये कहना है कि एक तो ये भूकंप की दृष्टि से तो बहुत ही संवेदनशील है, दूसरा हमारा इकोलॉजी बहुत ही फ्रेजाइल है। आप वहां पर ज्यादा जोर की बारिश हो जाए तो पूरा ऊपर का वो स्लाइड करके नीचे आ जाता है, इस तरह का वो है। और उसके ऊपर जो है हमारे फौना फ्लोरा का वो है। अब ये आप IHBTI के एक इंस्टीट्यूट है, कम से कम 350 हर्ब्स पर वो हर्ब्स उन्होंने आइडेंटिफाई करके वहाँ उन्होंने तैयार किया हुआ है इंस्टीट्यूट में। तो मेरा कहने का मतलब है कि पूरा एरिया जो है हमारा हर्ब के तौर पर वो प्रसिद्धि पा सकता है। और उस पर आपको मैं बता दूंगा, अभी पीछे 3 अक्टूबर को जैसे रोहतांग का माननीय प्राइम मिनिस्टर महोदय ने जो उद्घाटन किया, उसके बाद इतना जो है टूरिस्टों का आना ज्यादा हो गया और वहां पर उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है इस वक्त। तो हमारा ये है कि जो ये डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ये बोलता है कि ये आपका डेवलपमेंट होगा, हम तो बोलते हैं कैसा डेवलपमेंट होगा, ये तो डिस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं आप। कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट की बात करें तो हमारे वहाँ एग्रीकल्चर बहुत अच्छा फ्लोरिश कर रहा है, हॉर्टिकल्चर बहुत अच्छा फ्लोरिश कर रहा है, हर्ब पर बहुत अच्छा काम हो रहा है। उसके अलावा अब टूरिज्म पर बहुत ज्यादा वो बूम आ गया हुआ है। तो हमारे को तो आप मतलब डेवलपमेंट के नाम से वो हाइड्रो पावर नहीं, इसका डेवलपमेंट करिए आप, हम तो ये चाहते हैं। पिछले कल भी एक सेमिनार में हमने अटेंड किया था जिसमें मंत्री महोदय वगैरह भी थे, इसी टूरिज्म पर हम लोगों का वो था विचार विमर्श हुआ था उसमें। तो हमारा तो यही कहना है कि आप टूरिज्म को अच्छा टूरिज्म बनाएं, इको टूरिज्म में तब्दील करें। जो हमारे यहाँ एडवेंचर टूरिज्म बहुत अच्छा है, स्नो देखो इस साल आप लोगों ने सब में देखा होगा स्नो फेस्टिवल के नाम से कितने अच्छा, मतलब पूरा वैली जो है स्नो फेस्टिवल लोगों ने मनाया है। और इस तरह करके जो लोग जब टूरिस्ट आएंगे तो हमारे को अपने आप जो है हमारा अपने आप डेवलपमेंट होगा। हम तो ये भी कहते हैं कि हमारे को एम्प्लॉयमेंट की आपको आवश्यकता नहीं होगी वहाँ, जब आप टूरिज्म और ये एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर की और अगर आप ध्यान दें, क्यों,
क्योंकि एग्रीकल्चर में हम पहले से बहुत सारा इम्प्लॉयमेंट देते आ रहे हैं, हजारों में इम्प्लॉयमेंट देते हैं हर साल हम सीजन में, एग्रीकल्चर के सीजन में। तो हमारा ये है कि आप हाइड्रो पावर को आप दूरी रखिए, हमारे हमारे यहाँ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, हर्ब्स और टूरिज्म पर आप विशेष ध्यान दें। तो हम जो जो सरकार जो पैसे कमाना चाहती है हाइड्रो प्रोजेक्ट से, उतना ही पैसे यहाँ से भी उनको मिल सकता है, यहाँ से भी सरकार को की कमाई हो सकती है। तो हमारा तो वहाँ पर ऐसा है जी, बच्चा बच्चा जो है वो इसके खिलाफ है। अभी आवाज़ें उठने शुरू हो गई है, अब उम्मीद है कि आइंदा भी आवाजें उठेंगी और हम इस जो नदी का जो अविरल जो इनका धारा है जो है इसको हम सुरक्षित रख पाए। तो ऐसी हम भगवान से भी प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, लोगों से भी प्रार्थना करते हैं, अब आप लोगों से भी प्रार्थना करते हैं कि आप लोग भी हमारे साथ जुड़ के हमारे इस नदी को बचाने की ओर आप भी अपना योगदान देंगे। बस फिलहाल तो इतना ही मैं कह सकता हूँ। और हमारा प्रयास जो है, मैं सेव लाहौल स्पीति सोसाइटी एक हमारा एनजीओ जैसा है, सोसाइटी बनाया हुआ है, उसका मैं प्रेसिडेंट भी हूँ। तो हमारा इस सेव लाहौल स्पीति के माध्यम से भी ये हमेशा ये प्रयास रहता है कि इस जो है नदी के साथ जो छेड़छाड़ की वो है, जो गवर्नमेंट का प्रपोजल है, उसको उसके खिलाफ जो हम आवाज उठाएं। थैंक यू, धन्यवाद प्रेम कटोच जी। अब मैं अभी हमारे साथ ये स्पीति घाटी से सोनम तारगे जी और ताकपा तेंजिन भी जुड़े हुए हैं, और ये दोनों ही स्पीति सिविल सोसाइटी है एक, उसमें कार्य भी करते हैं। तो मैं अब ताकपा तेंजिन से थोड़ा ये बात रखूंगा कि वो भी अपने इस जो स्पीति नदी है उसके बारे में अपनी बात रखें, और वो उसको कैसे देखते हैं, और उस नदी के बारे में उसका फ्यूचर क्या देखते हैं, और किस प्रकार से ये सोचते हैं कि आज के दिन जो फायदे मिल रहे हैं वो कल आने वाले जो प्रोजेक्ट्स उसमें हैं उनसे क्या नुकसान होने वाला है और क्या दिखता है उनको। तो थोड़ा सा मैं ये ताकपा तेंजिन को इस बारे में। हेलो, आवाज आ रही मेरी? हेलो जी, आ रही है आपकी आवाज? तो आ रही है, आ रही आ रही है। नमस्कार साथियों, जैसे कि लाहौल, हाँ नमस्कार सभी को। जैसे कि प्रेम कटोच जी ने लाहौल स्पीति में जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उसके बारे में जो उनकी धार्मिक मान्यता है उसके ऊपर, और जो इकोलॉजिकली जो हमारे जो फ्रेजाइल एरिया है उससे उसके बारे में बताया, धार्मिक मान्यताओं के ऊपर जो हिंदू और बौद्ध धर्म की जो मान्यता है उसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से प्रकाश डाला। लेकिन मैं इसको जैसे स्पीति रिवर के ऊपर जो अभी तो पहले तो दो प्रोजेक्ट प्रपोज थे, एक ताबो के साइड, एक पिन वैली के साइड, लेकिन अभी तो कुछ प्रपोज नहीं है। लेकिन इससे हमें खुश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार की ये एक क्या बोलते हैं, इंट्रूजन की एक पॉलिसी है कि पहले वो हांगरंग में कोशिश कर रहे थे, हांगरंग में बहुत बड़े लेवल पे एक आंदोलन हुआ जिसके कारण हांगरंग संघर्ष समिति बना, उसके कारण हांगरंग में कोई भी हाइड्रो प्रोजेक्ट नहीं बना। लेकिन उसके बाद अब वो लाहौल में जा चुका है, लाहौल से इंट्रूजन शुरू कर रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये बात हाइड्रो प्रोजेक्ट की सिर्फ लाहौल की बात नहीं है, हांगरंग की बात नहीं है, किन्नौर की बात नहीं है, स्पीति की बात नहीं, इसको हम सबको मिलकर एक बड़े स्तर पे हमें इसमें एक आंदोलन करना पड़ेगा। ये पूरा ट्राइबल एरिया का, हिमालयन रीजन का एक मुद्दा है, जिसमें अगर लाहौल में अगर हाइड्रो प्रोजेक्ट एक भी अगर सेंक्शन होके या एक भी बनता है तो धीरे धीरे करके स्पीति नदी पे भी बनेगी, और उसके बाद हांगरंग में भी बनेगी, और बाकी जो लोअर किन्नौर का हालत तो हम सब जानते हैं, वहां पर नाथवा जाकरी ले लो, वहां पर कितने हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं जिसके कारण पूरा का पूरा किन्नौर बर्बाद कर दिया गया है। तो उन चीजों के बारे में हम बहुत भली भांति जानते हैं, हमने देखा हुआ है, उनके दुष्परिणाम भी देखे हुए हैं, लोगों के घर के क्रैकिंग, जो एक एप्पल बेल्ट कहा जाता है किन्नौर में, वहाँ के जो स्प्रिंग्स है, वहाँ के पानी सारे नीचे जमीन में जलमग्न हो चुके, नीचे वो हो चुके हैं, तो उसके बहुत सारे दुष्परिणाम है। जहां तक स्पीति जो रिवर की बात जो प्रकाश जी ने कहा कि उसके भविष्य के लिए हम क्या सोचते हैं, तो इसके लिए बहुत पहले से हम हिमदरा पर्यावरण समूह से भी स्पीति सोसाइटी की बातें हो रही थी कि स्पीति नदी को एक फ्री फ्लोइंग बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक स्पीति एक नदी है, जैसे लाहौल में भी कई नदियां हैं,
जो कि फ्री फ्लोइंग हो सकती है, जैसे कि नदी का एक स्वरूप है उसे बहते हुए रहना चाहिए। जैसे कि अब हमारे हिमालयन रीजन में स्पीति, इस बार स्पीति में सबसे कम बर्फबारी हुई है, जिसके कारण लोगों को दूरगामी जो पीने के पानी और सिंचाई के पानी की भी दिक्कतें होने वाली है। तो उन चीजों को तीर्थन वैली की, तीर्थन जो नदी की तरह क्या बोलता है, हमारे लिए भी पेयजल के लिए भी स्पीति की नदी और सिंचाई के लिए भी ये आगे आने वाले भविष्य में बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है। अगर यहाँ हाइड्रो प्रोजेक्ट बन जाए तो फिर तो बहुत ज्यादा दिक्कतें होने की जरूरत है। जैसे कि अगर यहाँ हाइड्रो प्रोजेक्ट बनता है तो हमें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, हमें किन्नौर से सीख सकते हैं, हम उत्तराखंड से सीख सकते हैं कि क्या हुआ है हिमालयन रीजन्स में। जैसे कि यहाँ बहुत बड़े ग्लेशियर्स हैं, यहाँ पर अगर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बनते हैं, अगर ग्लेशियर टूटते हैं तो पूरा का पूरा वैली तबाह होने वाला है। यहाँ की इकोलॉजी इतनी फ्रेजाइल है कि यहाँ ज्यादा बर्फ बारिश होने से भी हमारे यहाँ सारे रोड सारे बंद हो जाते हैं। तो हाइड्रो प्रोजेक्ट बन के अगर गलती से अगर कोई ग्लेशियर फटता है या टूटता है, उस हाइड्रो प्रोजेक्ट बनता है, तो कितने वास्ट लेवल पे डिवास्टेशन हो सकती है ये सब जानते हैं। पहले हाइड्रो प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा हमारे यहाँ पर लोगों में अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन किन्नौर को देखते हुए, अब उत्तराखंड को देखते हुए, स्पीति के और लाहौल के लोग जागरूक हो चुके हैं। लेकिन अब लाहौल से आवाजें उठ रही है, किन्नौर में पहले आवाजें उठनी शुरू हो गई है, स्पीति में भी इसके खिलाफ अभी तक हमारे आवाजें उठती रही है। तो अब इस आवाज को एक सामूहिक रूप से पूरे ट्राइबल बेल्ट एक हिमालयन रीजन के तौर पे आवाजें उठा के से नो टू डैम्स करके एक बहुत बड़े आंदोलन की जरूरत है, जिसके कारण जिससे हमारी चीजें चल सकती है। टूरिज्म की जहां बात करूंगा, जो तीर्थन वैली के बारे में जो कहा भारती जी ने कि टूरिज्म एक अच्छा स्कोप हो सकता है, टूरिज्म जो लाहौल में टूरिज्म अभी चल रहा है, मैं इस तरह के टूरिज्म के बिल्कुल फेवर में नहीं हूं, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टिव टूरिज्म बिल्कुल नहीं हो रही है। हमारे यहाँ पर टूरिज्म के लिए हम रेडी नहीं है, एकोमोडेशन नहीं है हमारे यहाँ, लेकिन जो एकदम से टूरिज्म का फ्लो सब कुछ बर्बाद कर सकता है टूरिज्म, लेकिन एक कंस्ट्रक्टिव वे ऑफ टूरिज्म और एक जो सस्टेनेबल टूरिज्म की तरह हम जरूर सोच सकते हैं, उससे भी हम हमारा लाइवलीहुड बन सकता है, इस तरफ भी हमें सोचने की जरूरत है। और अर्थक्वेक की तरफ सिस्मोलॉजिकली लाहौल ही नहीं, स्पीति, ये सारे इलाके बहुत प्रोन इलाके हैं, जहां पर फ्रेजाइल एरिया होने के कारण अगर हल्का फुल्का अगर अर्थक्वेक आ जाए तो उसके वास्ट डिवास्टेशन के लिए हमें लगता है कि हो सकता है इस एरिया के लिए। तो इसमें गवर्नमेंट पॉलिसी, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि ये इंट्रूजन की पॉलिसी है, पहले लाहौल से शुरू करेंगे, अगर आवाजें नहीं उठेंगे वहां बनाएंगे, तो इसमें ये बात नहीं है कि अभी लाहौल में अगर और किन्नौर में अगर हाइड्रो प्रोजेक्ट बन रहे हैं तो हम सेफ है, इसके लिए आवाज बुलंद होने की जरूरत है। एक गेटवे अगर लाहौल में बन गया तो स्पीति में बनना निश्चित है, स्पीति वाले भी इससे नहीं बच सकते। अभी स्पीति वालों को खुश होने की जरूरत नहीं है कि यहाँ प्रपोज नहीं है, पहले प्रपोज थे, अब वो सेंक्शन नहीं है, लाहौल में है, तो आवाज एक रूप से बुलंद होने की जरूरत है। और जो ये मुक्त धारा की जो बात कर रहे हैं, फ्री फ्लोइंग, तो यही एक चीज है जो जिससे हमारे हर चीज को हम सॉल्व कर सकते हैं। हाइड्रो प्रोजेक्ट हमारे हमें नहीं चाहिए, इसके स्पीति को एक फ्री फ्लोइंग की तरफ हमें ले जाना चाहिए, इवन लाहौल के साथ, इवन किन्नौर के साथ भी। किन्नौर में भी अभी बहुत लंबी लड़ाई अभी और लड़ी जा रही है और हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर चल रही है, लेकिन हाइड्रो प्रोजेक्ट हिमालयन रीजन। ठीक है, धन्यवाद तकपा भाई। अब ये जो अभी हम जो तीन नदियों की बात कर रहे हैं, ये हमें मालूम है कि ये सभी जो क्षेत्र, पूरा जो क्षेत्र है ये शीत मरुस्थलीय क्षेत्र है, यहां पर खेती भी जो होती है एक ही सीजन में होती है, वो भी बिना सिंचाई के नहीं हो सकती है। और साथ ही साथ एक और भी बात है कि ये सीनिक तौर पर बहुत ही सुंदर एरिया है, जहां पर यह है कि एक एडवेंचर टूरिज्म, नेचर बेस्ड टूरिज्म, रूरल टूरिज्म की एक बहुत बड़ी एक संभावना भी है। तो यह भी लगता है कि अगर यहां पर भी जैसे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स अगर बनते हैं तो वहां पर क्या लोग डैम्स को देखने जाएंगे, या वो चाहते हैं कि एक बहती हुई नदी बहती हुई नदी को देखना। तो इसमें एक ये भी एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि जो एक नदी है वो केवल अगर उसको हम एक मुक्त नदी के रूप में देखना चाहते हैं, एक बहती नदी के रूप में देखना चाहते हैं, तो इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं जो इस नदी का फायदा उठाते हैं।
जैसे कि अभी कोई टूरिस्ट आता है वो उस नदी को देखता है, कहीं ना कहीं वो भी एक इसमें एक स्टेक होल्डर है, जो वहां के लोग हैं वो एक स्टेक होल्डर हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें ऐसे लोगों को भी इस मूवमेंट में जोड़ने की जरूरत है, इसको एक बड़ा मूवमेंट बनाने की जरूरत है। मैं इसके साथ ही अब एक हमारे साथ दोर्जे नेगी जी हैं हंगरंग वैली से, जहां बताया कि वहां पर 4 हाइड्रो प्रोजेक्ट जो प्रपोज थे अभी वो कैंसल तो नहीं हुए, लेकिन वहां पर एक बहुत बड़ा स्ट्रगल चला, और वहां से आज शांता भाई भी जुड़ने वाले थे लेकिन वो आज हमारे साथ जुड़ नहीं पाए हैं। तो अगर इस बारे में जो हंगरम घाटी का जो एक पूरा आंदोलन रहा है नदी को फ्री फ्लोइंग रखने के लिए, तो मैं दोर्जे नेगी जी को बोलूंगा कि वो भी थोड़ा अपने मूवमेंट और अपनी जो उनकी लड़ाई रही है उसके बारे में थोड़ा बताएं। दोर्जे नेगी जी, हेलो हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है जी? दोर्जे जी आ रही है आवाज आपकी? ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। सबसे पहले तो आप सभी को धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग जिस तरह से ये कार्यक्रम करते हैं हमेशा अवेयरनेस को लेके, कभी हम लोग हमेशा से जुड़े हुए हैं क्या बोलते हैं FRA जैसे मुद्दों को लेकर, और साथ में आप शुरुआत से हमें दिशा निर्देश गाइड भी कर रहे हैं, इसलिए क्या बोलते हैं हमारे क्या बोलते हैं एंटी प्रोजेक्ट जो भी मूवमेंट रहा है अभी तक हमारे साथ चला है साथ। एक मिनट, हेलो हेलो, हाँ जी आवाज आ रही है आपकी? अच्छा जी, थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है मेरे यहाँ पे सिग्नल का, एक मिनट मैं अभी सेट करता हूँ इसको। अच्छा, जो मैं कहना चाह रहा था अभी तक, अब ये हमारे यहाँ पे आज प्रोमिनेंट गेस्ट जुड़े हुए हैं, जैसे हमारे प्रकाश भंडारी जी हैं, उन्होंने बताया कि हमारे पास यहाँ पे परिणीता दांडेकर जी जुड़े हुए हैं, उन्होंने जो बातें कही थी, एक कंपैरिजन दिया था कि 2 नदियों के बीच में कर्नाटक में था महाराष्ट्र में था, बहुत अच्छा कंपैरिजन था। तो ऐसा कंपैरिजन ने हमें मतलब काफी कुछ क्लियर करके बताया कि क्यों जरूरी है ये फ्री फ्लोइंग वाला कंसेप्ट हमारे देश में, है ना जी। तो बाकी तो फ्री फ्लोइंग स्टेटस जो जैसा भी है, हम इस वक्त इतना तो इस बात को लेकर संतुष्ट हैं कि जो स्ट्रीम्स और जो नदी यहाँ से हमारे क्षेत्र से गुजरती है, जो अपने क्षेत्र में है, उसे हम एक संघर्ष के माध्यम से कहें कि आप सभी के साथ के माध्यम आप सभी के साथ से हम इस हद तक कामयाब हो पाए कि इसको जो फ्री फ्लोइंग स्टेटस है उसको मेंटेन रखें, और फिलहाल हम इस चीज में कुछ हद तक कामयाब हैं, आगे भी हम प्रयासरत रहेंगे इस चीज के लिए। और रही बात सब जो कंसर्न्स थे हमारे, वो कंसर्न्स हमारे म्यूचुअल है, सबका एक जैसा ही कंसर्न है, अपना ये जो फ्रेजाइल इकोसिस्टम है ये क्या बोलता है हमारे यहाँ का वेजिटेशन है, यहाँ का कोल्ड डेजर्ट एरिया है, जो भी इम्पैक्ट होने वाला हमारे यहाँ पे स्पीति किन्नौर और ये जो लाहौल है, सबका कॉमन कंसर्न है। तो मुझे लगता है कि अब इस चीज में मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, पर इतना जानता हूँ कि जब हम बिल्कुल इस चीज को लेकर अनजान चले हुए थे, तब हमारे पास हमारे किन्नौर से आदरणीय रंजीत सिंह जी IAS रिटायर्ड जी, उन्होंने बहुत बेहतरीन मार्गदर्शन किया था, साथ में थे गुमान सिंह जी और प्रकाश भंडारी जी, आप सभी ने हमारे इस तरह से मार्गदर्शन किया, और यहाँ पे शांता कुमार जी कोऑर्डिनेटर बने, तो हम सब हंगरंग संघर्ष समिति के बैनर तले जो भी मूवमेंट हम कर पाए उससे इस हद तक कामयाब हो पाए, जो आज सभी कह रहे हैं कि हंगरंग वैली में इस तरह का संघर्ष हुआ था और यहाँ के लोग इस अभी इतने तो कामयाब है कि यहाँ पे फिलहाल कोई फिलहाल शब्द का इस्तेमाल इसलिए जरूरी है क्योंकि हम कह नहीं पाएंगे कि भविष्य में कब कैसे और किस तरह से सरकार यहाँ पे इंट्रूड करने की कोशिश करेंगे, पर इस चीज के लिए हम इतना भी जानते हैं कि यहाँ के लोग तैयार हैं और हम हमेशा इस चीज को लेकर प्रयासरत रहेंगे, साथ में आप जैसे लोग और आप जैसे लोगों ने जिस तरह से
कोऑर्डिनेट किया है, सभी लोगों को एक साथ रखने की कोशिश की है, सबको एक तरह से अवेयरनेस प्रोग्राम जो चलाया हुआ है कि इसके क्या नुकसान है वो सब समझ चुके हैं यहाँ पे, क्योंकि इस चीज को लेकर बहुत डिबेट आज से कई साल पहले से चला हुआ है, तो लोगों के मन में अब इस बात को लेकर कोई अंदेशा नहीं है कि इस तरह के प्रोजेक्ट जो कंटिन्यूस यहाँ पे बनाने की कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा और कुछ कुछ जगह पे कामयाब भी हुए हैं, उसके नुकसान ही है, फायदा कुछ नहीं दिख रहा है फिलहाल। और रही बात किन्नौर साइड, तो एक बाकी आपने टूरिज्म के बाद में बताया, लैंडस्लाइड के बारे में बताया, बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताया, क्या इम्पैक्ट है नेगेटिव इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स का यहाँ पे, तो डिफेंस के तौर पे भी मैं कहना चाहूंगा कि एक बॉर्डर एरिया में हम होने के कारण अब रैपिड कंस्ट्रक्शन जो होता है हाइड्रो पावर्स का, जो प्रपोज था यहाँ पे जो बन नहीं पाए फिलहाल संघर्ष के कारण, तो वो भी एक तरह से सॉफ्ट टारगेट है डिफेंस। मेरे को लगता है कि एक तरह से वाटर बॉम्ब का कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे थे गवर्नमेंट, जिस पर हम लोगों ने इस तरह से हड़ताल किया और इस तरह से संघर्ष किया कि लोग सरकार को ये मानने पर मजबूर होना पड़ा उस फौरी तौर पर कि ये यहाँ के लोगों के कंसर्न जायज है। तो ये भी एक मुद्दा है, हमारा मुद्दा था और मुद्दा है, रहेगा जब भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा इस तरह का। और एक तरह से जिस गांव में मैं रहता हूँ मालिंग गांव, तो हंगरंग वैली में बहुत ही फ्रजाइल है, मतलब हमारा शुरुआत में संघर्ष से जुटने का ये क्या बोलता है कारण भी यही था, क्योंकि एक रिजर्वायर प्रपोज था हमारे गाँव के ठीक नीचे, मालिंग गाँव ऑलरेडी एक सिंकिंग जोन है, एक तरह से पूरी तरह से बैठता जा रहा क्षेत्र है, और हमें इस बात से अवगत कराया गया कि यहाँ रिजर्वायर बनेगा तो जो एरिया है यहाँ के वैसे ही बहुत ही क्या कहें इसको, स्लाइडिंग जोन जैसा है एरिया, तो पानी नीचे से अगर रिजर्वायर होगा तो जमीन नीचे को खिसकना शुरू हो जाएगा, तो यही हमारा कंसर्न था, एक कंसर्न को जो शुरुआत में हम समझ पाए उसको लेकर हम संघर्ष के रास्ते पे चले और धीरे 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 सारे कंसर्न से अवगत हो गए। जैसे अभी हमारे लाहौल से हमारे बड़े सदस्य जो आज की मीटिंग में है, सॉरी मैं नाम अभी याद नहीं कर पाया, उन्होंने जैसे बताया, साथ में ठाकुर ने जो अपना कंसर्न दिया था, ठाकुर जी स्पीति सिविल सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, हमारे कंसर्न बिल्कुल बहुत कॉमन है, किसी का भी कुछ कंसर्न ऐसा नहीं है कि अलग हो। तो सीजमिक जोन की भी बात करें तो सीजमिक जोन भी सेम है हमारा, तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि फिलहाल हम इस चीज में कामयाब है जो अपने स्ट्रेच अपने एरिया से जो भी वाटर बॉडीज है उसको फ्री फ्लोइंग स्टेटस में रखने में हम कामयाब हो पाए हैं, भविष्य में भी कंटिन्यूस हमारे यही स्ट्रगल चलता रहेगा। सरकार चाहे किसी का भी हो, अगर ये कहें कि वो लोग यहाँ पे सिर्फ बिजनेस पर्पज से हाइड्रो पावर एस्टेब्लिश करना चाहते। थैंक यू दोरजी जी, ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने का। तो एक तो अभी ये जो हमारे तीन जो लाहौल से स्पीति से और हंगरंग घाटी से जो वक्ता थे, तो ये है कि हर जगह लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, लड़ाइयां लड़ रहे हैं, और कुछ जगह जैसे कि स्पीति नदी पे हुआ जहां हंगरंग में चार प्रोजेक्ट थे वो लोगों ने नहीं बनने दिए, और जो स्पीति घाटी में जो तीन प्रोजेक्ट थे वो ईएसी ने जब क्यूमुलेटिव एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट बनी तो उसमें वो तीन प्रोजेक्ट को उन्होंने उसमें अलाउ नहीं किया, मतलब उनको परमिशन नहीं दी। लेकिन जो भविष्य जो देख के लगता है कि ये जो जितनी लड़ाइयां हैं कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट्स के इर्द गिर्द जा रही है, तो इसी में मैं ये परिणीता जी से पूछना चाहता हूं कि इसी को अगर हम एक कुछ ऐसा करें कि कैसे ये करें कि ये एक पॉलिसी लेवल पे चेंज हो, और अगर जो ये सारे स्ट्रगल एक साथ मिलके क्या मांग करें कि जिससे एक जो पूरा जो एक जो खतरा है नदियों को वो कम हो पाए, तो ऐसी हमें क्या मांगे रखनी चाहिए और कैसे हमें इस मांगों को रखना चाहिए, इस बारे में मैं थोड़ा प्रिंसिपल जी से पूछना चाहूंगा। जी बिल्कुल, मैं अभी मुझे वही उसी पे बात करनी थी, बिकॉज मैं ये सुन रही हूँ और सब वक्ताओं ने बार बार ये कहा है कि अभी तो बांध बंधे नहीं है, लेकिन अभी ना बंधे इसका ये अर्थ नहीं कि वो बंधेंगे नहीं,
और ये हम सब जगहों पे देख रहे हैं, ये हम अघनाशिनी में देख रहे हैं, ये हम चंबल में नेशनल चंबल सेंचुरी में देख रहे हैं, ये हम सिक्किम में देख रहे हैं, ये हम अरुणाचल प्रदेश में देख रहे हैं, तवांग जहाँ पे नामजांगछू और तवांगछू नदियां हैं जहाँ पे हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट हो रहे हैं, जहाँ पे वहाँ के मॉन्क्स ने बहुत अच्छे तरीके से उनको थोप के रखा है। लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल ही नहीं है कि वहां पे बांध बंधेंगे ही नहीं। मुझे दो इसमें चीजें बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, एक तो नीति और पॉलिसी होनी चाहिए, वो तो एक बात है ही, और उसकी जिस तरफ कैसे जाए वो एक अलग डिस्कशन है। लेकिन हम जब यहाँ पे स्थानिक लोग जो एक्चुअली नदी पे और मिट्टी में काम कर रहे हैं, उनके लिए मुझे लगता है सबसे जरूरी बात यह है, जैसे अघनाशिनी में हुआ है या फिर जैसे बाहरी देशों में बहुत बार होता है, कि आपकी नदी का, जैसे पहले ही हमको भारती जी ने बताया था कि तीर्थन में अभी टूरिज्म कितना बढ़ गया है, या फिर प्रेमचंद जी बता रहे थे या फिर नेगी जी बता रहे थे, इस चीज का डॉक्यूमेंटेशन करना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर कल हमको तो कोर्ट में जाना ही होगा किसी ना किसी प्रकल्प को लेकर, जब हम कोर्ट में जाएंगे तब ये चीज कि उन नदियों का, जैसे तीर्थन में एक मुक्त वाहिनी नदी की वजह से कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, कितनी लोगों की उपजीविका अभी चल रही है, ये डॉक्यूमेंटेड होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अघनाशिनी में तो मैंने बिल्कुल देखा है कि हर बार जब वहां पे टडाड़ी पोर्ट हो या फिर कोई प्रकल्प हो, तब ये जो शास्त्रज्ञों ने और वहां के स्थानिक लोगों ने मिलकर ये जो अध्ययन किए हैं इनका बहुत ज्यादा उपयोग होता है। तो सिर्फ कहना कि तीर्थन में बहुत एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, हमको इसको डॉक्यूमेंट करना होगा। जैसे आपने, जैसे हिमनारा का मैंने रिपोर्ट पढ़ा था लाहौल स्पीति के बारे में, आपने एक बहुत उसमें महत्वपूर्ण बात लिखी है कि लाहौल स्पीति में जो पर कैपिटा इनकम है, हर आदमी को जो इनकम मिलता है वो उस डिस्ट्रिक्ट का हिमाचल में सबसे ज्यादा है, और इरिगेशन एफिशिएंसी भी लाहौल स्पीति की, जबकि स्पीति फ्री फ्लोइंग है तब भी इरिगेशन एफिशिएंसी लाहौल स्पीति की हिमाचल में सबसे ज्यादा है। तो ये जो मुद्दे हैं, मुझे लगता है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, इनका बहुत अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा से ज्यादा शास्त्रज्ञों को, जैसे वायोजा नदी है अल्बेनिया में, उस नदी को बांधों से बचाने के लिए वहां के जो जो ग्रुप है उन्होंने 40 शास्त्रज्ञों को इकट्ठा किया था और उनकी मीटिंग, उनको एक हफ्ता पूरा वायोजा नदी को, नदी का अध्ययन उन्होंने किया, और फिर उन्होंने उस नदी में ही मीटिंग ली कि ये नदी का बायोडायवर्सिटी वैल्यू इतना है। 40 साइंटिस्ट नदी में बैठ के रिपोर्टर से बात कर रहे थे। मुझे लगता है कि इस तरह से शास्त्रज्ञों से, वो कोई भी शास्त्रज्ञ हो, वो शायद फिशरी साइंटिस्ट हो, वो शायद माइक्रो इन्वर्टिब्रेट्स का हो, वो शायद रेपेरियन हो या फिर कल्चरल वैल्यूज हो, ये सब इकट्ठा करके हमारा डॉक्यूमेंटेशन, हमारी मुक्तधारा नदी के का हमारे लिए वैल्यू इतना है, ये करना मुझे लगता है बहुत बड़ी फर्स्ट स्टेप है जो अघनाशिनी में मैंने देखी है, और उसका इम्पैक्ट भी होता है। हमारे यहाँ पे किसी भी चीज का इम्पैक्ट होना आसान नहीं है, और ये चीज चल ही जाएगी ऐसा भी नहीं है, लेकिन इस चीज का मैंने देखा है कि इस चीज का परिणाम तो होता है। दूसरी बात मुझे लगता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत दो नई चीजें हैं, एक है कंजर्वेशन रिजर्व और एक है कम्युनिटी रिजर्व। ये भी चीज मैंने कर्नाटक में देखी है, जहाँ के शास्त्रज्ञों ने वहां की चार नदियां, अघनाशिनी, काली, अभी तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी पे भी हुआ है, और शालमला, ये चारों नदियों पे कंजर्वेशन रिजर्व लोगों ने और शास्त्रज्ञों ने मिलके कहा कि इसको हमें कंजर्वेशन या कम्युनिटी रिजर्व करना है। अगर आपने प्राइवेट लैंड हो नदी के दोनों तरफ तो आप उसको कम्युनिटी रिजर्व का दर्जा आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग करके दे सकते हो, जिससे लोगों का नदी का जो यूज है उस पे कोई भी बंधन नहीं आते, लोग नदी को वैसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे वो आज तक कर रहे हैं, लेकिन उनकी मैनेजमेंट कमिटी बनती है जिसमें फॉरेस्ट ऑफिशियल भी होता है, और वो उस कम्युनिटी रिजर्व इसको एक एडेड प्रोटेक्शन मिलता है। अघनाशिनी में लायन टेल मकाक रिजर्व है अघनाशिनी पर, काली पर, फिर तुंगभद्रा पे ऑटर रिजर्व है, काली पे हॉर्नबिल रिजर्व है, तो आप, ये पूरी नदी पे नहीं है, उनके सेक्शंस पे है,
और आपको लगेगा कि ये एनिमल्स के रिजर्व हो गए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इनकी जो जगह है वो शास्त्रज्ञों ने बहुत सोच समझ के जो डैम साइट्स थे वहां पे लिए हैं। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ये, और उसकी वजह से इनको एक एडेड प्रोटेक्शन मिला है। ये प्रोटेक्शन काम करेगा और इसके वजह से बांध बंधेगा ही नहीं, बहुत मुश्किल है कहना, लेकिन एडेड प्रोटेक्शन है, करना तो जरूर चाहिए। केरल में जो हमारे भारत का पहला कम्युनिटी रिजर्व यानी लोक समूहों ने बचाया हुआ रिजर्व जिसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का सपोर्ट है, वो पहला केरल में बना था, एक नदी पे जिसका नाम है कडलुंडी, जो फ्री फ्लोइंग नदी है, और उसके एस्चुरी पर ये कम्युनिटी रिजर्व बना, और जिसकी वजह से उस एस्चुरी को और वहां पे आने वाले पानी के बहाव को एक प्रोटेक्शन है। तो फिर मुझे लगता है कि हिमालय में ही, उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में भी है, कम्युनिटी फिश सेंचुरीज कई जगहों पे है, जैसे सिमसांग में मैंने देखा है, या उत्तराखंड में तो है ही, हिमाचल में भी होगी। उन फिश सेंचुरीज का डॉक्यूमेंटेशन करते हुए शास्त्रज्ञों के साथ उनका रिपोर्ट बना के कि दीज आर कम्युनिटी प्रोटेक्टेड रिजर्व्स और कम्युनिटी प्रोटेक्टेड स्ट्रेचेस। मुझे लगता है ये जो जब हमारे बहुत सारे जो लॉयर मित्र हैं वो भी कहते हैं कि आप जब कोर्ट में जाओ किसी प्रकल्प के खिलाफ हो या नदी को संरक्षित करने के लिए हो, तब आपके पास एविडेंस जो है वो होना बहुत जरूरी है। और हमारे पास, मैं भी आपको सुन रही थी, मैं जो अभी हंगरन वैली से जिन्होंने बात की उनका लोगो भी देख रही थी, हंगरन रायचंद बुद्धिस्ट कल्चरल हेरिटेज फाउंडेशन, उनका लोगो भी इतना सुंदर था कि उन्होंने पर्वत और फिर सेब और ये दिखाया था। सो कल्चरल वैल्यूज और इकोलॉजिकल वैल्यूज और लाइवलीहुड वैल्यूज, इनका डॉक्यूमेंटेशन इन, जैसे मैंने अविनाशिनी में देखा है, ऐसा नहीं है कि मैं उससे पूरी सहमत हूँ, उसमें थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन फिर भी ये लाइवलीहुड्स का थोड़ा इकोनॉमिक वैल्यूएशन करके उसका रिपोर्ट हमारे पास तैयार रखना बहुत जरूरी है। ये काम आता ही है, ये तो मैंने जरूर देखा है। और दूसरी बात हो गई कंजर्वेशन रिजर्व्स की, और तीसरी बात मुझे एक सवाल है जिससे शायद हमारे अभी के डिस्कशन को थोड़ा एक जवाब भी मिल सकता है, कि हिमाचल प्रदेश में मैंने खुद देखा है कि बहुत सारे बार जब जल विद्युत परियोजनाएं आती हैं तो उनको फिशरीज डिपार्टमेंट से भी सहमति लगती है, और काफी फिशरीज डिपार्टमेंट ने नो फिशिंग जोन्स डिक्लेयर किए हैं, वो पैसे लेते हैं और वहां पे सहमति दे देते हैं। जो तीर्थन नदी के बारे में हिमाचल में हुआ, वैसा ही किसी और नदी के बारे में क्यों नहीं हुआ? या फिर तीर्थन की कथा सुन के और नदियों को, जहां पे ऐसे ही मछली ट्राउट तो हिमालय में सब जगह पे मिलती है थोड़े लोअर एलिवेशन पे, तो वैसा बाकी के जगहों पे क्यों नहीं हुआ? मुझे लगता है तीर्थन में ऐसा क्या अलग हुआ, ये अगर हम इसका अगर हम जवाब मिल सके हमको, तो हमको बाकी बहुत सारी चीजों का जवाब मिल सकता है। तो मुझे प्रकाश जी से भी पूछना है और भारती जी से भी पूछना है कि तीर्थन में ऐसी क्या खास बात थी जो कि, और वॉज इट जस्ट द टाइम, ये भी हो सकता है कि वो समय ही ऐसा था कि वो हो गया, अब का समय ही ऐसा है कि प्रेशर बहुत बढ़ गया, अब ये होना बहुत मुश्किल है। तो प्रकाश दौलत भारती जी, आप कुछ अपनी बात रखना चाहेंगे? जी, तीर्थन में बड़ी बड़ी बात ये थी कि जब भी वो चल रहा था, जो इन्होंने बात की कि उसकी डॉक्यूमेंटेशन की, एविडेंसेस की, वो सब जुटा दिए गए थे, क्योंकि तीर्थन लोगों की भावनाओं से जुड़ी हुई एक नदी है, वो भी उसमें सेगमेंट था। और बड़ी बात थी कि जो तीर्थन के अंदर जो ट्राउट थी उसको बचाने के लिए 1975 में हिमाचल प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में एक डिसीजन लिया था और 3 साल तक फिशिंग पर बैन लगाया था, और उसके रिजल्ट अच्छे रहे। उस फिश को बचाने के लिए जब जो इन्होंने एनओसी की बात की, वो एनओसी नहीं देने दी गई और उस पर विभाग पर दबाव बनाया गया कि आप ये नहीं देंगे, अगर आप ये देंगे तो आप पूरी तीर्थन नदी की जो मछली है उसको बिल्कुल बर्बाद कर दोगे। तो ये एक बड़ी वजह रही। और उसी तरह के एक तो जो बिल्कुल लोगों के जो जगह जगह जाकर जो हम प्रदर्शन हुए, उसके अलावा जो सीधा मामला कोर्ट में भी चलता रहा, उसके भी ऐसे नतीजे रहे कि फिशरीज डिपार्टमेंट को भी वो एनओसी देने से पीछे हटना पड़ा और कंपनियों को भी अपने हाथ पीछे खींचने पड़े। ये बड़ी बात थी।
और मुझे एक इसमें ऐड करना होगा प्रकाश जी कि अभी जो बहुत सारी नदियों पे जैसे चेनाब पे भी हुआ है क्यूमुलेटिव इंपैक्ट असेसमेंट स्टडी हुआ है, वैसे क्यूमुलेटिव इंपैक्ट असेसमेंट स्टडी उत्तराखंड में भी काफी नदियों का हुआ है, अरुणाचल में हुआ है, असम में हुआ है, सिक्किम में हुआ है। हमको पता है वो कितने खराब अध्ययन है, हमें सबको पता है, हम सब ने उस पे कमेंट्स दिए हैं, भेजे हैं, लेकिन अगर हम ऐसे सोचे कि हमें कहाँ कहाँ जगह है, हमें कहाँ कहाँ जगह है अपनी बात रखने की कि मुक्तधारा नदियां होनी चाहिए और हमारी ये नदी मुक्तधारा होनी चाहिए, तो जैसे मैंने ये किया कि एविडेंस गैदरिंग, इकोनॉमिकल, इकोलॉजिकल, लाइवलीहुड बेस्ड कल्चरल, फिर कम्युनिटी और कंजर्वेशन रिजर्व्स, फिश सेंचुरीज, और चौथा मुझे ये लगता है कि हर बार ये बात रखना जितने सारे अथॉरिटीज के सामने हो सके, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट हो, जहाँ पे क्यूमुलेटिव इंपैक्ट असेसमेंट स्टडी में बहुत बहुत मजाकिया तौर का एक बात होती है फ्री फ्लोइंग रिवर डिस्टेंस बिटवीन टू डैम्स। आपको पता होगा कि हिमाचल में तो इस पे बहुत ज्यादा, लोरी में तो ये बहुत बड़ा डिस्कशन पॉइंट था कि फ्री फ्लोइंग डिस्टेंस क्या होता है। फ्री फ्लोइंग डिस्टेंस ऐसी बात ही नहीं होती है, दो बांधों के बीच 1 किलोमीटर नदी के बहाव को फ्री फ्लोइंग हम कह ही नहीं सकते, वो तो जोक है पूरा, और उसको फ्री फ्लोइंग कहना ही पूरा जोक है। मुझे लगता है ये भी हमको बार बार बोलना चाहिए, और जब भी कोई क्यूमुलेटिव इंपैक्ट असेसमेंट स्टडी आता है तो पहली मांग यही होनी चाहिए कि हमको पढ़ना ही नहीं है, पहले फ्री फ्लोइंग नदियों के बारे में आपने क्या कहा है ये बताइए। तो क्योंकि सियांग में मैंने देखा है एक दो बार तो मेंशन हो जाता है, उत्तराखंड में देखा है कि पिंडर और बालगंगा है, सियांग में है तो एक दो नदियों को उन्होंने कहा है, तो एग्जिस्टिंग, हर एग्जिस्टिंग एनवायरमेंटल क्लियरेंस को, टीओआर को, फॉरेस्ट क्लियरेंस को, क्यूमुलेटिव इंपैक्ट असेसमेंट स्टडी को, हर बार हमें ये कहना कि हमको हमारी नदियां पूरी फ्री फ्लोइंग रखनी है, ना कि फ्री फ्लोइंग डिस्टेंस 1 किलोमीटर का दो बांधों के बीच, ये भी मुझे लगता है कि जरूरी है। अभी तो एक चीज ये है कि जो चेनाब बेसिन में क्यूमुलेटिव एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट स्टडी हुई, वो क्योंकि चेनाब एक ट्रांसबाउंड्री रिवर है, और तो उसमें क्या किया कि जो क्यूमुलेटिव एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की जो पूरी रिपोर्ट होती है वो भी लोगों को नहीं दी गई, उसमें तो केवल एक समरी दी गई पूरी CIA रिपोर्ट की, जिसमें बहुत कम जानकारियां थी, बहुत जनरलाइज्ड इंफॉर्मेशन थी, जिससे शायद लोगों को कुछ पता भी नहीं चल रहा था। वहां पर भी होगा कि कुछ पता ही ना चले लोगों, वहां पर भी जिस्पा के लोगों, जो जिस्पा डैम से प्रभावित होने वाली जो कम्युनिटीज थी, उन्होंने इसका अपोज भी किया। तो और इसके साथ जैसे मैं एक और चीज जोड़ना चाहूंगा कि आज के दिन जो एक वन अधिकार कानून है 2006, तो ये जो कानून है लोगों को जंगलों पर जो नदियां हैं, जो उसके उपयोग है, उस पर एक कानूनी अधिकार देता है, और ये सभी चीजों को हम लोग कहीं ना कहीं कम्युनिटी जो कंजर्वेशन एरिया जो बात कर रहे हैं वो ये वन अधिकार कानून भी कहता है। अगर लोग इसमें अपनी जो नदियां हैं, जो उन नदियों पर जो धार्मिक परंपराएं हैं, जो उनकी लाइवलीहुड उनसे जुड़ी हुई हैं, उन सबको भरें और उस पर एक अपना लीगल राइट लें उस नदी पर, तो हो सकता है कि कल के दिन जब भी कोई उसमें अगर प्रोजेक्ट प्रपोज करता है तो उनको फिर उन लोगों से NOC लेनी पड़ेगी, तो वो तब ग्राम सभा के पास एक शक्ति आती है कि वो उस चीज के लिए मना कर सकता है। और अभी एक और सवाल आया हुआ है, किसी ने पूछा है कि ये जो पूरा जो डिस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट है, जो विकास है जिससे कि हमारे पर्यावरण और नदियों को खतरा हो रहा है, अगर ये नहीं तो हमारे पास क्या और अल्टरनेटिव हैं? ये एक फेसबुक में सवाल आया है, अगर प्रणीति जी इसका जवाब दे पाए तो। जी, ये हमेशा का सवाल है और हमेशा चलते आ रहा है। हमको बात समझनी होगी कि ये जो डिस्कशन है वो, अगर हमको सिर्फ डिस्कशन ही करना है बैठ के, तो हम बात कर सकते हैं विकास विनाश ये सब बात कर सकते हैं, ये बात ऐसे नहीं होती है। स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स को हमको बहुत स्पेसिफिकली ही बात करनी पड़ती है। एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट
का हमको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखना पड़ता है और तब हमको इस कंक्लूजन पे आना पड़ता है कि ये प्रकल्प वहां होना या प्रकल्प ना होने से ज्यादा फायदेमंद है। और इस तरह की जो अध्ययन है वो हमारे पूरे एनवायरमेंटल क्लियरेंस हो, फॉरेस्ट क्लियरेंस हो, इसमें होते ही नहीं है। दूसरी बात है, जब हम जल विद्युत प्रकल्पों के बारे में बात कर रहे हैं तो काफी सारे खर्च है उसके, जो हमने कभी उनको हमने कभी हमारे कैलकुलेशन में लिया ही नहीं है। जैसे क्लाइमेट चेंज है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होने वाले बदल है, जैसे सेफ्टी है। अभी जो हादसा हुआ था जिसमें इतने सारे किनकी जान गई थी, तो वर्कर्स की जान गई थी, बांधों की वजह से जिनका प्लेसिंग उत्तराखंड में ऐसा था ग्लेशियर लाइन के ऊपर, जहां पे बताया गया था कि यहाँ पे बांध होना बहुत ज्यादा धोखादायक है, वहां पे किसकी जान गई? डैम डेवलपर को कुछ हुआ? नहीं हुआ, वहां पे काम तो वर्कर्स की गई। तो ये तो एक बात रही कि हम एक बहुत जनरलाइज्ड डिस्कशन से कि अगर ये नहीं तो क्या, इससे वी हैव टू गेट डाउन टू स्पेसिफिक्स। दूसरी बात, सिर्फ विद्युत प्रकल्पों, जल विद्युत प्रकल्पों के बारे में कि हमारे यहाँ के 50% जल विद्युत प्रकल्प ऐसे हैं जो अपनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है उनसे 50% कम जनरेट करते हैं, जो एग्जिस्टिंग है वो भी। मैं महाराष्ट्र से हूँ, मुझे पता है मेरे यहाँ पे कितने सारे बांधों को टर्बाइन्स लगाए हुए हैं जिनको कभी भी इस्तेमाल नहीं किया है। तो हमारे यहाँ पे जो रिसोर्सेस और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना पड़ा है उसका उसका जो यूटिलाइजेशन है वो हम कैसे कर रहे हैं? पोस्ट फैक्टो एनालिसिस, वो बांध या सिंचाई के हो, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के हो या जल विद्युत प्रकल्प हो, पोस्ट फैक्टो एनालिसिस हमारे यहाँ पे है ही नहीं। और जब हम नए बांधों के बारे में, जब स्थानिक लोग जिनके घर वहां पे डूबने वाले हैं या फिर घरों को क्रैक्स पड़ने वाले हैं, वो जब कुछ सवाल उठाते हैं तब हम उनको उनको ही पूछते हैं कि लेकिन ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन तो हमें ढूंढने पड़ेंगे। हमारे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम क्या है, हमारे डिस्कॉम्स का इतना बुरा हाल क्यों है? जब पावर मिनिस्टर ने कुछ साल पहले कहा था कि इंडिया इज राइट नाउ एनर्जी सरप्लस, ऐसा भी होकर शहरों में लोड शेडिंग क्यों होता है और बिजली ये रिलायबल क्यों नहीं है, ये प्रश्न का उत्तर जो है वो हमें ढूंढना है। वो बांधों में नहीं है, वो पोस्ट फैक्टो एनालिसिस में है और प्रयास जैसे कई सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो वो कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जनरलाइज सवाल नहीं है, बहुत स्पेसिफिक सवाल है और हर प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट के पास आप जाओ तो इसका सवाल इसका जवाब जैसे गुमती डैम है मणिपुर में, जिसका जिसके जो डुबाव क्षेत्र है वो कभी जस्टिफाई नहीं करेगा, या फिर महाराष्ट्र में ही काल करके एक डैम है जिसका खर्च जो है पर प्रति मेगावाट उसका ऐसा खर्च है जो कोई भी खरीदने वाला या फिर कस्टमर हमारे जैसा अफोर्ड कर ही नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी ऐसे प्रकल्प बनते हैं। तो मुझे लगता है ये ऑप्शंस का जो सवाल है वो बांधों से लिंक्ड नहीं है। ऑप्शंस का सवाल हम हमारे जो बिजली बन रही है वो कम क्यों बन रही है बांधों से, वो डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं हो रही है, ये अलग सवाल है, इनको अलग तरीके से देखना है। बाकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ डैम्स तो करना ही चाहिए, और जैसे ऑक्सफर्ड का स्टडी था 2 साल पहले जिन्होंने कहा था कि कॉस्ट ओवररन्स बांधों के टाइम ओवररन्स और फिर उसके बेनिफिट तो बाद में ही रहेंगे, ये अगर कॉस्ट ओवररन्स और टाइम ओवररन्स का हम सही तरीके से अध्ययन के करें जो उन्होंने किया था, तो हमारे बांध ये फीजेबल ही नहीं है इकोनॉमिकली। और जो हमें बार बार दिख रहा है, आप हिमाचल में देखिए, उत्तराखंड में देखिए, कितने सारे प्राइवेट डेवलपर्स भाग रहे हैं डैम्स को डेवलप करने से, क्यों जा रहे हैं वो? और वो एनवायरमेंट क्लियरेंसेस की वजह से नहीं जा रहे हैं। हमारी मिनिस्ट्री किसी को ना नहीं बोल रही है, सबको हाँ ही बोल रही है। प्राइवेट डेवलपर्स वहां से जा रहे हैं क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का जो पर यूनिट रेट है वो बढ़ता जा रहा है बाकी के ऑप्शंस के कंपैरिजन में। तो मुझे लगता है स्पेसिफिक चीजों पे बात करनी चाहिए और स्कोप इंक्रीज करना चाहिए डिस्कशन का। थैंक यू। प्रकाश जी, मुझे लगता अभी ये
हाँ, अभी एक और सवाल आया था कि किसी ने पूछा था कि मिनी प्रोजेक्ट अप टू 30-40 मेगावाट इज आल्सो डिवास्टेटिंग एज मेगा प्रोजेक्ट्स, तो इसका हिंदारा ने ही तो अध्ययन किया है मिनी प्रोजेक्ट्स, मिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स ऑफ हिमालयस पे, आप बताइए। हाँ, तो ये भी है कि इसमें तो हमने यही पाया है कि जो छोटे प्रोजेक्ट्स हैं उनका भी उतना ही नुकसान है जितना कि बड़े प्रोजेक्ट्स का। थोड़ा ये हो सकता है कि जो नुकसान है वो अलग प्रकार का है, क्योंकि जो छोटी नदियां हैं अगर हम देखें तो उसका जो पानी होता है उसका इस्तेमाल लोग अपनी सिंचाई और पीने के लिए करते हैं, जबकि बड़ी नदियों का पहाड़ों में ऐसा डायरेक्ट उपयोग नहीं करते। तो जो भी अगर ये जो 30-40 मेगावाट अगर हम की बात करते हैं तो ये भी एक काफी बड़ा प्रोजेक्ट होता है, और इससे भी वही नुकसान कई तो वही होते हैं, जैसे कि वहां के पानी के स्रोतों पर असर पड़ना, लोगों के लाइवलीहुड्स को असर पड़ना, नदी का खत्म हो जाना, तो ये भी एक प्रकार का असर है। जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि अगर बायोडायवर्सिटी क्या असर पड़ता है, जैसे कि सतलज में इतने डैम बन गए लेकिन उसके बाद भी एक स्ट्रेच था जो लूरी साइड में, वहां पर थोड़ी बहुत ये जो ट्राउट के वहां पर पॉपुलेशन थी जो सीआई स्टडी ने पाया, वो क्योंकि इसलिए थी क्योंकि उसके शायद जो एक सहायक नाला था भेन्ना नाला वो फ्री फ्लोइंग था, तो जो वो फिश जो माइग्रेट करती है वो उस नाले के थ्रू उसमें माइग्रेट कर पा रही थी, तो इसलिए वो वहां पर बच रही थी। तो यही चीज देखना हुआ, और ये नुकसान होगा कितना होगा ये तो आपको स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्टडी करने पड़ेंगे, वहां के जो आपको ज्योग्राफी है, टोपोग्राफी है, वहां का जो पूरा जो लोगों की लाइवलीहुड है उन सबको देखना पड़ेगा और उन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है वो सब चीजें देखना पड़ेगा, तभी हम कह सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट कितना लोगों को नुकसान करेगा, तभी हम कोई बात इसमें कह सकते हैं। अब मुझे लग रहा है कि इसमें अब समय काफी हो चुका है और अब क्योंकि और हमारा समय भी खत्म हो रहा है, तो मैं इसको जस्ट लास्ट में कंक्लूड करने की कोशिश करूंगा कि जो हम देख रहे हैं कि एक एक जो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स हैं उनकी जो लड़ाई चल रही है, जहां पर भी ये शुरू होती है वो एक बहुत एक टीडियस लड़ाई है, उसमें आपको जो कम्युनिटीज हैं उनको सालों दर साल उसमें लगे रहना पड़ता है, कई बार जब सरकार नहीं सुनती है, मूवमेंट की बात नहीं सुनती है तो कोर्ट में जाना पड़ता है, कोर्ट में जहां बहुत सारे खर्चे आ जाते हैं लोगों के पास, कोर्ट की पेशियां लगती हैं और फैसला बहुत लंबे समय बाद मिलता है। तो मुझे लग रहा है कि एक तरीके से कि ये जो लड़ाई है इनको कैसे हम, और ये जो अगर लड़ाई जीत भी गए तो ये कोई परमानेंट लड़ाई नहीं है, क्योंकि वो जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट है आज अगर एक है तो कल कोई दूसरा आ जाएगा और फिर वो अपना वहां पे फिर परमिशन लेने के लिए फिर अप्लाई कर देगा, फिर आपको फिर उसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। जैसे कि एक रेणुका डैम की लड़ाई हुई तो उस रेणुका डैम में एमओईएफ ने उसका फॉरेस्ट क्लियरेंस कैंसिल कर दिया, एनजीटी ने उस पर स्टे दे दिया, लेकिन जो कंपनी थी उसने फिर रिवाइज करके फिर फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए अप्लाई कर दिया। तो ये जो लड़ाई है इस प्रकार की चलती है, तो ये जरूर है कि ये किसी प्रोजेक्ट को डिले कर सकती है, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि ये एक बहुत एक लंबा सॉल्यूशन इसमें कोई हमें मिल सकता है। तो इसके लिए आज के दिन जो हमें सुन के लग रहा है कि अब हिमाचल में जो बचा है क्या उसको हम बचा सकते हैं, जो आज के दिन दिखता है कि जो कोल्ड डेजर्ट में जो एक माउंटेन रेंज से ये तीन नदियां निकल रही हैं, आगे पीछे से ये तीन नदियां निकलती हैं अगल बगल से, तो क्या इन तीन नदियों को बचाने के लिए आज के दिन हम क्या कर सकते हैं, वो पहली एक बात है। जैसे कि परिंदा जी ने कहा कि उस क्षेत्र का हमें एक बहुत बढ़िया एक डॉक्यूमेंटेशन हम लोग कर सकते हैं, जो भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, जैसे वहां की बायोडाइवर्सिटी है, लोगों का कल्चर है, लाइवलीहुड है, हर चीज के पहलू को लेके एक काम कर सकते हैं। जैसे कि अभी लाहौल में ही हमने देखा कि वहां की जो गांव की महिलाएं हैं वो अपने जंगल के क्षेत्र को बहुत बढ़िया तरीके से बचा रही हैं, और कई रिपोर्ट्स ऐसी कहती हैं कि ये लाहौल के लाहौल एरिया में जो वन क्षेत्र है वो सालों दर साल पूरे प्रदेश की जो जिस हिसाब से जंगल बढ़ रहा है उससे बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो ऐसी चीजें हैं कि जहां पर लोगों की एक खुद की भागीदारी है, जहां पर लोग खुद
अपने प्राकृतिक संसाधनों को बचा रहे हैं। तो एक तो जो जो समाज जो कम्युनिटी का जो एक रोल है इसको एक कानूनी मान्यता देना, कानूनी मान्यता दिलाना, जो कि मुझे लगता है कि आज के दिन एक जो वन अधिकार कानून है वो उसको उसमें एक मदद देता है। और फिर दूसरी बात है कि ये जो लड़ाई है कि ये लाहौल की लड़ाई है, ये स्पीति की लड़ाई है, ये हंगरंग की लड़ाई है, इसको छोड़ते हुए एक लड़ाई बनानी पड़ेगी, इसको एक कॉमन प्लेटफॉर्म में आना पड़ेगा जिससे कि हम बहुत इफेक्टिवली सरकार के साथ एडवोकेसी कर पाए। क्योंकि अगर हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन अच्छा है हम बता सकते हैं, फिर सरकार को समझा सकते हैं कि हमें ये नदियां क्यों फ्री फ्लोइंग चाहिए। बिल्कुल हो सकता है कि अगर सरकार के स्तर पर कोई पॉलिसी डिसीजन आता है या सरकार इस बात को समझती है और कोई पॉलिसी बनाती है तो वो मेरे को लगता है एक लॉन्ग टर्म हो सकता है। अगर सरकार नहीं सुनती है तो तीनों घाटियां मिलकर, क्योंकि हम एक प्रोजेक्ट के खिलाफ न जाए, हम एक इकोसिस्टम को बचाने की बात करें। क्योंकि हम ये देखें कि एक इतना अच्छा इकोसिस्टम है जिससे अगर स्पीति में और लाहौल में देखा जाए, इधर कई जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, यूएन ने इसे हेरिटेज एरिया जो वो घोषित किया हुआ है, पूरा यूनेस्को हेरिटेज साइट की हुई है पूरे स्पीति और लाहौल में। तो हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स हैं। और अगर हम देखा जाए जो ये पूरा एक जो कल्चर है, एक यूनिक कल्चर है इस पूरे क्षेत्र का, जो बुद्धिस्ट है जो ऑलरेडी एक पूरे माइनॉरिटी में है, तो उसको बचाने की एक लड़ाई, उसका वो एक बहुत बड़ा हमारे पास स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। और जो नदी किनारे में हुआ है ज़ोंगू में, यही आपने जो सब मुद्दे बताए थे सिक्किम में, तो बहुत बड़ा लेप्चा लैंड के लिए बहुत बड़ा वहां पे आंदोलन हुआ था, बहुत ज्यादा दिन चला था, लेकिन उनका जो डिसीजन है वो ये है ना कि एक डैम ना बने, दो डैम ना बने, इस लाइन के ऊपर बांध नहीं बनेंगे, ये उनकी उनका डिमांड था। तो मुझे बहुत ये आपका पॉइंट ये लगता है कि ना कि हम एक दो प्रोजेक्ट्स की बात तो करनी पड़ेगी जब उनके स्ट्रगल्स आएंगे, लेकिन एज अ पॉलिसी वी शुड डॉक्यूमेंट दैट फ्री फ्लोइंग रिवर्स इन हिमाचल और इन दिस रीजन हैव उनका इतना ज्यादा हमारे पूरे समाज के लिए उनका उनकी देन है, और यहाँ पे बांध बंद भी चुके हैं और किसी भी बांध को और हमारी क्योंकि देखिए वो एनवायरमेंटल फ्लोज का डिस्कशन हो या फ्री फ्लोइंग नदियों का डिस्कशन हो, हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जैसे क्यूम्युलेटिव इंपैक्ट स्टडीज असेसमेंट स्टडीज में कि आप एक नदी को छोड़ दो धारा छोटी, उसका दूसरा ये है कि आप तो फिर 30 बार बांध दो बाकी की नदियों को, ऐसा तो नहीं है, ये कंडीशनल नहीं है कि आपने एक नदी को छोड़ दिया तो फिर दूसरे के दूसरों पे सब बांध बन जाएंगे, ये बहुत डेंजरस है। जैसे एनवायरमेंटल फ्लोज का भी वही प्रॉब्लम है कि आप पर्यावरणीय प्रवाह छोड़ दीजिए फिर चाहे जितने बांध बांध दीजिए, ये तो बहुत डेंजरस डिस्कोर्स है जिससे हमें बचना चाहिए। और आपने जो अभी बात कही कि पॉलिसी ये है कि बांध बंद चुके हैं और हमें इस जगह पे जहाँ पे हमारा उपजीविका समाज और हमारा संस्कृति नदी से जुड़ी है वहां पे बांध नहीं बंधेंगे, उसका कारण ये है हमारे पास उसका एविडेंस। लेकिन मुझे लगता है प्रकाश जी, हम जो कंजर्वेशन कम्युनिटी रिजर्व स्पेशली कम्युनिटी रिजर्व जिसके लोगों का ओनरशिप एस्टैब्लिश होता है, एक और स्पीड ब्रेकर हो जाता है सिर्फ प्रक्रिया में, तो जी सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया बीच में। ठीक नहीं जी, ठीक। तो जो अभी परिणीता जी ने भी बोला तो ये तो हमें देखना पड़ेगा। और इसके साथ ये भी है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि ये पूरा एक जो पूरा जनजातीय क्षेत्र है जहाँ की एक हिस्ट्री जो कल्चर है वो पूरा एक शेयर्ड है, और हम नदियों को ये पूरा एक जो पूरा डिस्ट्रक्टिव जो डेवलपमेंट है उससे बचाना चाह रहे हैं, तो उसके साथ साथ फिर उस चीज को जब हम कहते हैं तो हमें ये भी देखना होगा कि जो आज के दिन हमारी जो लाइवलीहुड्स हैं, जो हमारी आजीविका के साधन हैं, वो भी कहीं ना कहीं उसी ट्रेडिशन या वहां जो कई जो प्रिंसिपल्स हैं कि वो लोकल हो, हैं उसमें वो लोकल होना चाहिए, पर्यावरण को नुकसान न करने वाला होना चाहिए, तो उन चीजों पे भी कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा और बदलाव लाना पड़ेगा। जैसे एक टूरिज्म वहां पर एक बहुत
बड़े स्तर पर एक तो आ ही रहा है धीरे धीरे, और अब जब लाहौल से रोहतांग टनल खुल गई है तो और भी बड़ा हो सकता है। तो हम उस पर भी कैसे एक कम्युनिटी का कंट्रोल रखें, क्योंकि हम नदियों पर बात करते हैं कि इनका फ्री फ्लोइंग होना चाहिए, इस पर कम्युनिटी का कंट्रोल होना चाहिए। तो उसी प्रकार जो हमारी लाइवलीहुड एक्टिविटीज हैं वो भी कहीं एक तरीके से एक डिस्ट्रक्टिव वे में न जाए, तो उसको भी कैसे हम एक कम्युनिटी मैनेज रखें या कम्युनिटी का उसमें एक इन्वॉल्वमेंट रखें, वो भी देखना होगा। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरा एक जो इसमें सेशन और पूरा जो हमने परिणीता जी आई और दौलत भारती जी आए और साथ में ये पूरे हिमाचल से जो लोग जुड़े और इसलिए चंद्रभागा वैली स्पीति हंगरंग और किन्नौर से जुड़े, मैं सभी का एक तो धन्यवाद करूंगा और आशा करूंगा कि इस बारे में हम लोग आगे मिलकर भी काम करते रहें। और सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें तो शायद डॉक्यूमेंटेशन से करें, जो कि जिसमें ये हो सकता है कि वहां के लोग भी जुड़े, जो हो सकता है कि इन क्षेत्रों में काफी पढ़े लिखे लोग हैं, काफी रिसर्चर्स हैं, उनका हम पता लगाएं, उनसे बोलें कि आप एक एक एस्पेक्ट्स पे यहाँ पे अध्ययन करना शुरू करें और इस लड़ाई को धीरे धीरे हम लोग आपस में मिलकर इस लड़ाई को लड़ें। और शायद अगर हम लोग इस पे लगे रहें तो मुझे लगता है कि हम हिमाचल में कम से कम एटलीस्ट 3 नदियों को जो कहते हैं कि उनका जो नैसर्गिक अधिकार है, एक नदी का क्या एक नैसर्गिक अधिकार है कि वो अपनी आजादी से बहे, उसे जैसे बहना है वो बहे। हम इंसान कौन होते हैं या एक ह्यूमन बीइंग क्यों होते हैं कि उसका जो एक अधिकार है उसको क्यों छीन सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो सबसे पहले जो उस नदी के किनारे जो लोग रहते हैं, जो उस पर निर्भर हैं, जिनके साथ उनका इतिहास कल्चर जुड़ा हुआ है, वो लोग इस लड़ाई को लेकर आगे आए और साथ ही साथ और जितने भी लोग हैं जैसे हम जैसे लोग हैं इस लड़ाई में हम जरूर जुड़ेंगे और मैं आशा करता हूँ ये लड़ाई हम लंबे समय में जीतेंगे। धन्यवाद जी। इसी के साथ